मेरी मदद करना। चोर, अप्पू पांडे के गिरवान में हाथ डाला है ना, अब कहाँ हुई ये पूरा शहर देखी। लो लो ऐसे फोटो खींचो, इस पोज में भी खींच लो। हमारा भाई पप्पू पांडे अंदर है और तुम लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हो, बंद कर दो सारी दुकानें, छोड़ दो। हमारा भाई जेल के अंदर है तो ये यहाँ नहीं रह सकता क्या? अंदर मर रहा है दोस्तों, चल यहाँ से। सुनिए सुनिए सुनिए, आपने शिवकाशी को दुकान के अंदर क्यों बंद किया? शिवकाशी हो या शिवकाली, चलो कोई बचाओ। क्यों शिवा, सबको अंदर क्यों बंद किया? आज के लिए ये दुकान बंद। और बाकी सारी दुकानें? खोल दो। नमस्ते वकील साहब। अरे रे 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 बंद करो, ले आया भाई शिवकाशी टी। पॉकेट में चाय पीने के लिए चाय लानी पड़ती है। ओ सर, आपने वो गलत पास किया है ना? फर्स्ट क्लास में पास किया है या सेकंड क्लास में पास किया है या फिर थर्ड क्लास में? लगता है वकालत की सारी डिग्री हासिल कर ली है। चाय का ग्लास हाथ में देखकर तुम लोगों ने चाय वाला समझ लिया है क्या? इनको बताया नहीं है कि मैं कौन हूँ? ये क्या कर रहे हो? चाय थोड़ी ठंडी है, इसलिए गरम कर रहा हूँ। इतने पैसे आ गए हैं कि वेल्डिंग गैस से चाय गरम करने लगा है? अब ये क्या कर रहे हो? गरम ज्यादा हो गई इसलिए ठंडी कर। ए भाई, मामूली चाय की इतनी देखभाल कर रहे हो, अगर घर में भाभी आ गई तो उसकी देखभाल कितनी करोगे? तेरी औरत का मैं क्या करूँगा? अपनी बीवी की नहीं, तुम्हारी बीवी की बात कर रहा हूँ। छोटे वकील साहब, आपने जिस लड़की से शादी की वो आपको कोर्ट में जाता देख बेवकूफ बन गई होगी। बेवकूफ वो नहीं बनी, मैं बन गया। जब डिग्री लेने के 10 साल बाद तक मुझे कोई भी केस नहीं मिला तो मेरे एक दोस्त ने कहा, देखो जुहू गली के 11 नंबर बंगले में जाओ, तेज तरार वकील की जरूरत है।
ये सुनकर मैं जोश में वहाँ पर चला गया। वहाँ जाकर मैंने कॉल बेल दबाई तब तो मुझे पता चला कि मेरी खुशियों का नहीं दुखों का दरवाजा खुला है। उस केस से राहत मिली क्या? अरे बाबा केस नहीं गैस मिली। ब्लास्ट हो गया क्या? अरे यार क्यों ब्लास्ट की बात करके बार बार डराता रहता है। हेलो वकील साहब मैटर पर आ जाओ। कहाँ पर था? बेल पर छूटा था ना। एक छोटे से केस के लालच में मैं उनके पास गया था और जिंदगी भर के लिए गले में घंटी बांध ली। चिंता मत करो वकील साहब, उधर आपका केस आ गया। आ गया ना, मुझे पता था एक दिन जरूर आएगा। आज से मैं चाय वाला वकील नहीं, हाई क्लास वकील हूँ। वकील साहब गैस ले लीजिए। जिंदगी में कोर्ट केस छोड़कर बाकी सारे केस मेरे पास आ रहे हैं। पप्पू पांडे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अंदर आना कोई नई बात तो नहीं? अंदर आना कोई नई बात नहीं, मगर बाहर दुकानें खुली और धंधा हुआ ये नई बात है। हाँ भाई नई बात है, नई बात है। किसने दुकान खोलने को बोला? कौन है बहू? पप्पू पांडे उसकी लाश ले जाएगा। जब हम अंदर रहे तो तुम लोग धंधा कर रहे थे, किसकी इतनी हिम्मत थी? केटला के पावर रहे? कौन दुकान खोलने को बोला रहा? भाई शर्ट छोड़ो मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ ना, उसको देखते ही होश उड़ जाते हैं। अच्छे अच्छों को वो दिन में दिखाता है तारे, कोई उसके चक्रव्यूह से नहीं बचता। उसका नाम है शिवकाशी, शिवकाशी। उसकी तू इतनी बड़ाई कर रहा है, कौन है बेतू? भाई यही है वो। कौन है बेतू? शिवकाशी। शिवकाशी ये नाम माई बापू ने रखा का? तो का खुद ही रख लिया। आखिर कौन रखा तेरा ये नाम? पब्लिक। पब्लिक एक्सी, सब लोग तो बुर्बक हैं। शिवकाशी तो शहर का नाम है, शहर का। वो जगह आग उगलता है। ए, काट कर रख दूंगा। आग उगलेगा। हमरा ऊपर हाथ उठाएगा, अब तू नहीं तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। भाई इसका कोई परिवार नहीं है, ये दो अनाथ है। अनाथ है? इसको मार के फेंकू तो कोई पूछने वाला नहीं है का? अगर ये मर गया तो कोई रोने वाला नहीं है का? ये पप्पू पांडे कौनू को छोड़ता नहीं है। आज ही तेरा कीमा बनाऊंगा मैं। इसका कीमा बना के जानवरों में बांट दो। भाई Hey!
कौन सा पांडे? पप्पू पांडे। पप्पू नहीं, पापी पांडे। मुझे मार दिया तो उठाने वाला कोई नहीं, ये तू भी जानता है, सारी दुनिया भी जानती है। मगर तू मरा तो तुझे उठाने के लिए चार औरत आठ रखेल और 20-30 बच्चे सभी आ जाएंगे, ये तू जानता है ना। फिर भी चर्बी दिखा रहे हैं, काहे को दादागिरी करता है, सुधर जाना। इस शिव काशी से पंगा लेने काहे को आ गया तू? अपू की बीवी हो चाहे अपू की बीवी हो, मैं शिवकाशी बोल रहा हूँ। कौन है? शिवकाशी है। शिवकाशी? हेलो, मैं पांडे बोल रहा हूँ। क्या बे पांडे? पप्पू पांडे। पप्पू पांडे हो, अपू पांडे हो, चाहे गप्पू पांडे हो, तेरे लिए कितने लोग रो रहे हैं बे? चार लोग। वो चारों कौन है? हमरी मेहरारू। और आठों रखेलों का क्या हुआ? जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ लग गई, इसलिए वो नहीं आई। भेजे में बिठा ले और अब ध्यान से सुन, मेरी फैमिली नहीं है इसीलिए शिवकाशी अनाथ है। अगर तूने शिवकाशी से दोबारा पंगा लिया तो तू भी अनाथ हो जाएगा। ये देखिए वो येलो, ये वाला, ये वाला ना मैडम। ये सब न्यू पैटर्न है। रास्कल, चप्पल से मारूंगी मैं तुझे, कमीने। हाँ हाँ, लगाता है। देखो देखो, अभी शाम को और क्या होगा? इसको भी लड़की छेड़ देता है, हैं? मारो ऐसे लोगों को तो। सर, आपको एक केस मिल गया। एक मजनू ने एक लड़की को छेड़ दिया। वो लड़की लड़की को चप्पल से मार रही है। तुरंत चलकर उस केस को बुक कर लीजिए। चलो चलो, एक केस मेरी जिंदगी बना देगा। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। हमको छोड़ दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। हो गया ना? नहीं 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 नहीं, या इससे भी ज्यादा कुछ करना है तेरे को? नहीं नहीं, चमड़ी चाहिए तेरे को? नहीं नहीं, मांस चाहिए तेरे को? नहीं नहीं, कसाई की दुकान पे जाओ, वहाँ किलो के भाव में मिलेगा, सीधा उठा के खा जाना, समझा? जा। साड़ी नहीं पहनी, ब्लाउज नहीं पहना, केवल चड्डी में आ गई है। ये शॉर्ट्स है। ए, तेरे लिए शॉर्ट्स होगा, मेरे लिए केवल चड्डी। ये बताओ, ऊपर ब्लाउज नहीं, जैकेट नहीं, सिर्फ ब्रा पहनकर आ गई है? ये स्लीवलेस है। ए, 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 तेरे लिए स्लीवलेस है, मेरे लिए सिर्फ ब्रा। इधर झुको तो ये दिखता है, उधर मुड़ो तो वो दिखता है, और तू इसे आर्ट समझती है, दिखाने का आर्ट है, नुमाइश का अड्डा है ये, एग्जीबिशन सेंटर है। सुपर। तुम्हारे शरीर पर कितने तिल है ये कोई दूसरा गिन सके, इसलिए ऐसा ड्रेस पहना है ना? हा? फिर कोई छूता आया तो भड़कती कहां है को है? क्यों, ऐसा ही हो रहा था ना? देख, ऊपर वाले ने लड़का बनाया लड़की के लिए और लड़की बनाई लड़के के लिए, दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, समझी? उसने तो हमें यहाँ भेज दिया, लेकिन हमें यहाँ इज्जत से जीना है। एक लड़की के लिए एक लड़का, एक लड़के के लिए एक लड़की। जो लड़का तुम्हारे लिए बना है उसके सिवा तुम ये सब किसी और को मत दिखाओ। पूरे शहर को दिखाती फिरोगी ना तो पूरा शहर तुम्हारे पीछे भागता नजर आएगा। मैडम, कोर्ट में भी इतनी अच्छी दलील नहीं सुनी। तो कोर्ट गया ही कब है? और सुनो, किसी शरीफ लड़की की तरह खूबसूरत साड़ी पहनकर आओगी ना समाज के सामने, तो सारा समाज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम करेगा। अब जाओ यहाँ से। क्या डैडी, उसने हमारी बहन के साथ ऐसा बर्ताव किया और आप फिर भी चुपचाप सुनते रहे? उसी समय पुलिस को फोन करके उसे अंदर कराना चाहिए। ए, मेरी नजर में ये अभी भी बच्ची है, मुझे कुछ गलत नहीं दिखा। तुम लोग तो पहलवान हो, इसके सगे बड़े भाई हो,
बहन कैसे कपड़े पहन रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, ध्यान नहीं रख सकते। अरे डैडी आप ये कैसी बातें कर रही है, हमारी इकलौती बहन है, इसको माँ का प्यार भी नहीं मिला। हम दोनों भाइयों ने मिलकर इसको माँ का प्यार दिया, तो इसमें गलत क्या किया? यही बात तो उसने भी कही, अगर इसकी माँ होती तो क्या इसे ऐसे कपड़े पहनने देती? जो उसने कहा मुझे सही लगा, इसलिए मैं बिना जवाब दिए आ गया। उसके कहने का तरीका गलत था मगर बात एकदम सही। इधर वो शिवकाशी रहता ना, कहाँ मिलेगा? ये क्या, शिवकाशी का नाम इज्जत से लो। वो कहीं का नवाब है, चल बुला से। जाना जल्दी बुला किला। शिवकाशी, तुम्हारा एक एकदम किसी काम का नहीं है, उधर नो एंट्री में बहुत लोग घुस गए। तो तू ही है शिवकाशी, चल। अरे छोड़िए तो, अरे मुझे लेकर कहाँ जा रही है आप? अभी पता चलेगा। यही देखना चाहता था मैं। तुम्हारा ये रूप देखकर हर आदमी तुम्हारी तारीफ ही करेगा। अच्छा, साड़ी और ब्लाउज के अंदर क्या पहनते हैं? तुम्हें ये जाना था ना मेरी बहन से? बहन से? हाँ, मैं अकेली नहीं, हम जुड़वा हैं और हम शक्ल भी। मेरा नाम हेमा और उसका नाम होमा। होमा है? हाँ जी, मैंने तो लोकल पढ़ाई की है मगर मेरी बहन ने तो फॉरेन में पढ़ाई की। वो वहाँ के कल्चर का स्लीवलेस शॉर्ट पहनकर खुद को मॉडर्न समझती है और तूने उसे नुमाइश का घर कह दिया। तूने बोला लड़कियाँ अगर साड़ी पहनेंगी तो लड़के लोग उसके सामने हाथ जोड़ेंगे, बोला था ना? या तो फिर चलो अब शबनम मौसी के सामने हाथ जोड़ो। ठीक है, इनको जाने दो, मुंबई से एक दीदी आई है, उनके हाथ जोड़ो। शिवकाशी, ऐश्वर्या राय, मनीषा कोइराला, काजोल, मुंबई की लड़कियां ऐसी होती है ना, बहुत खूबसूरत होगी ना वो, कहाँ है वो, जल्दी बुलाओ। दीदी आए 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 आए, जोड़ना क्या है, कब से बकबक कर रहा है, जल्दी हाथ जोड़ना, हम सबका लवर इंतजार कर रहा है। लवर? आज 14 फरवरी है ना? तो फिर आज लवर्स डे है ना? हाँ जी। अरे आज लव का डे है मेरी जान। अभी बताता हूँ। अब मैं तुम सबको हाथ जोड़ के इज्जत नहीं दूंगा, मिलिट्री की तरह दूंगा, भागो जल्दी भागो। सुनो, तुम्हारी बहन आधे कपड़े पहनकर भी लड़की जैसी दिख रही थी मगर तुम साड़ी पहनकर भी लड़की जैसी नहीं दिखती, भूतनी दिखती हो। अरे तुमने कैसे जाना मेरी और मेरी बहन के बीच का इतना एक्यूरेट डिफरेंस? कैसे बताऊं मैं, ये सब एक डिफरेंट आर्ट है। अरे तुम्हारा फादर भी नहीं पहचान पाया और तुम्हें पैदा करने वाली तुम्हारी माँ। अच्छा तो हमारी माँ? हाँ, बीच में मत बोलो। आहो, तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाई मगर ये शिवकाशी तुम दोनों का सारा भेद जानता है क्योंकि शिवकाशी का लुक थोड़ा अलग है। पैंट है पता नहीं, मैंने खुद ही धुल दिया, क्या फर्क पड़ता है। सुनो, बीकेएम कॉलेज में पढ़ने वाला दिनेश कौन है? मेरा रूममेट है, ये रहा, क्या बात है ये? चल सारी गाड़ी तुझे बता, चर्बी निकालती हूँ मैं, चल बैठ गाड़ी में, बैठ, चल चल गाड़ी, चुप कर यार, चुप। अरे कहाँ ले जा रही है? भैया भैया अपने साथ में पढ़ने वाली लड़की को लव लेटर देता है। साथ में पढ़ने वाली लड़की को नहीं देगा तो क्या आपको देगा? क्या बकवास कर रहे तू, काय का वकील है तू? हाँ वकील, लड़की बात करेगा,
कॉलेज का एक लड़का कॉलेज की लड़की को लॉ लेटर नहीं देगा तो क्या पुलिस स्टेशन में आकर आपको लेटर देगा वो और हंस हंस के कहेगा मेरे लेटर का जवाब दीजिए? वकील जैसे रहे। आप पुलिस की तरह बात कीजिए। सच बता, तूने लड़की को लेटर दिया? सिर्फ एक लड़की को नहीं भैया, ऐसी तो मैंने 10 लड़की को लेटर दिया। 10 लड़कियों को लेटर दिया? अबे कहाँ है वकील? आया आया आया, मैं वकील वैंग की बात कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट के ऊपर से हाथ हटाइए। भैया मैंने उस लड़की को लेटर दिया, आप उसे उसको पढ़ने को बोलिए। अगर आपको उसमें ऐसा कुछ गलत दिखा तो उसे मुझे मारने बोलिए। मैं अपनी मौत का कारण खुद हूँ, ये लिख कर दे दूंगा। तुम्हारी कंप्लेंट किसने की? हेमा नाम की लड़की है वो। कहाँ मिलेगी? कॉलेज में। ए, उस लड़की को मुझे यहाँ लाने तक किसी ने इसे थोड़ा भी छुआ तो सबके सांस बंद कर दूंगा। इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, नाम शिवकाशी। एक्सक्यूज मी, क्या तुमको लगता है कि ये केस एकदम पक्का है? मुझे कोर्ट में भाषण देने मिलेगा ना? तुम्हें कोर्ट ना जाना पड़े इसलिए वो तुम्हें यहाँ लाया है। अगर मेरी यानी वैंकी की किस्मत अच्छी हुई और केस कोर्ट में पहुंच गया तो हम जाएंगे, तुम नहीं आ सकते। क्यों? हम तुमको मार देंगे इसलिए हम जाएंगे कोर्ट में। अब पढ़ो, बिना लेटर पढ़े कंप्लेन दे रही हो, अब पढ़ो। मेरी क्लासमेट हेमा को दिनेश का पत्र। अभी तक मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है, वो खून पसीना एक करके मुझे फीस भेजती थी, उससे मैं पढ़ता था। लेकिन 2 महीने पहले मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरे लिए नहीं, माँ के आत्मा की शांति के लिए मेरा डिग्री हासिल करना जरूरी है। अभी एग्जाम फीस भरने के लिए मेरे पास 5,000 नहीं है। आपसे मुझे फीस भरने के लिए मदद चाहिए। अगर आपने मुझे पैसे दिए तो मैं आपके रूप में अपनी माँ को देखूंगा। अपनी माँ को देखता है वो तुझ में, और तुमने तो उसे देखा। गलती किसकी निकली? एक लड़की ने लड़के की कंप्लेंट की तो लड़का गया काम से, उसको तुरंत अंदर करके उसकी पिटाई शुरू, और अब गलती हुई इस लड़की से। अब मैं जाकर जेंट्स पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर दूं। आपने जैसे उसको बुरी तरीके से पीटा, वैसे मैं अब इसको पीटने को बोलूं तो? हाँ, मुझे एक बात बताइए, क्या इज्जत सिर्फ औरतों के लिए होती है? आदमियों की इज्जत नहीं होती क्या? वो लड़का तो निर्दोष है, लेकिन आप पुलिस होकर निर्दोष नहीं हो। पहले आप जिम्मेदारी समझिए, फिर पुलिस का ओहदा संभालिए। चेन क्यों खींचा? तुम्हारी शादी हुई होती तो मंगलसूत्र भी निकाल लेता है। हाँ भैया। बेच कर फीस भर दो। नहीं ऐसा नहीं भैया। इसे सुनार की दुकान पर ले जाओ। गाड़ी पर क्यों बैठी? उतरो। अपने काम के लिए मुझे लेकर आए ना, अब मुझे कौन छोड़ेगा? मुझे कॉलेज छोड़ो। ये लड़की इसके साथ कैसे आ रही है? आपने तो केवल आते देखा, मैंने तो उसके साथ जाते हुए भी देखा था। अच्छा जी, आप इसे गर्व की बात समझ रहे हैं? ये हमारे कॉलेज का अपमान है। वो कौन है? एक वीआईपी की लड़की है। वो किसके साथ घूम रही है जानते हो? वो लफंगे के साथ घूम रही है। सर, आपके लिए वो लड़का लफंगा होगा, मगर उसके लिए उसका वो लवर है। लवर? हाँ सर, ये हेमा है। पहले कॉलेज में कैसे आती थी? हाँ सर, टी शर्ट हाफ पैंट में कड़क कड़क। और अब कैसे आती है? और अब औरत की तरह साड़ी में आती है। इस चेंज का कारण वही है सर, लव सर, लव। लव गले का धागा है जो इंसान को क्या से क्या बना देता है। हाँ। तुम लोगों को कॉलेज से निकलना है क्या? गेट लॉस्ट। देखिए भाई साहब, आपकी लड़की का प्यार अभी अभी उसके साथ शुरू हुआ है। अगर आप अभी उसे रोक देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप सही कह रहे हैं, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा। नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा सर, क्योंकि एक जवान लड़की को ज्यादा समझाना, चार्ज की हुए सेल फोन में सिम कार्ड डालें तो तुरंत एक्टिवेट होने जैसा होगा, फिर तो इनकमिंग आउटगोइंग फ्री हो जाएगा। तो मैं उस शिवकाशी को बुलाकर समझाता। नहीं सर नहीं, फिर तो वो ज्यादा स्ट्रांग क्या हो जाएगा। बोल रहे हैं, लड़की को डांटूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, लड़के को समझाऊंगा तो स्ट्रांग हो जाएगा। सर, अगर रोड पर कचरा हो तो हम साफ करते हैं क्या? नहीं ना, बीएमसी वालों को फोन करें तो वो खुद ले जाते हैं ना। उसी तरह आप पुलिस को फोन करिए, पुलिस के डंडे खा खा करके वो खुद ही सही हो जाएगा। Hey!
किधर है शिवकाशी? सर वो ऊपर चढ़ा हुआ है। कह रहा है डबल मीनिंग में बात करता है। नहीं नहीं नहीं, सर वो सच्ची में ऊपर ही है सर, वो देखिए सर। शिवकाशी, सोने के दुकान वाले रतन सेठ ने तुम पर कंप्लेंट किया है। क्या बोला? मेरे ऊपर कंप्लेंट? ए तू उसकी लड़की को साथ घुमाएगा तो कंप्लेंट नहीं करेगा तो क्या पूजा करेगा? ए तुझे प्यार करना है तो कोई सब्जी बेचने वाली लड़की से प्यार कर, या फिर रास्ते पे झाड़ू मारने वाली लड़की से प्यार कर। तू अपनी औकात में ही रहकर किसी लड़की से प्यार कर। तू कहा गंगू तेली और वो कहा राजा भोज की बेटी। ए तू इस प्यार को अपने दिल में दफन कर ले, नहीं तो तू दफन हो जाएगा। वकील, क्या बात है शिवकाशी? एक लड़के का एक लड़की से प्यार करना कानूनन गलत है क्या? नो नेवर, लड़का लड़के से प्यार करे, लड़की लड़की से प्यार करे, ये कानून भी अब पास हो चुका है कि इस मेरी जिंदगी बना देगा। और फिर सारी दुनिया में एक लड़का एक लड़की से प्यार करे, एक लड़की एक लड़के से प्यार करे, ये तो होता ही रहता है। और ये बात वकील वेंकी को भी माननी ही पड़ेगी। इन द एकेडमिक ईयर 1984-85 व्हेन स्कूल रीओपन। ओके, अब ये शिवकाशी उस रतन सेठ की बेटी से प्यार करना शुरू कर। अब इसका जो भी केस बनता हो फाइल कर दो। बाइक की चाबी ये लो। रुचा रुचा, ए कौन हो तुम? रतन सेठ कहाँ है? वो शादी पे गए हैं। किसके शादी पे? पासवान की शादी पे। यहाँ पे रतन सेठ कौन है? रतन सेठ आपने पुलिस कंप्लेंट किया ना? वो कंप्लेंट नहीं, तुम्हारी लड़की का मेरे लिए दिया हुआ लव लेटर है। कल तक तुम्हारी लड़की के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, पर तुम्हारे कंप्लेंट करने के दूसरे मिनट दूसरे सेकंड तुम्हारी लड़की से शिवकाशी प्यार करने लगा। और इस शिवकाशी का प्यार कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है, दिल का दिल से सांसों का सांसों से प्यार है मेरा, मेरी जान। आई लव यू, 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 आई लव यू। प्लीज तुम भी एक बार अपनी जुबान से ऐसे ही बोल दो ना। बोल दो ना। ए बोल ना। सेम टू यू। ये क्या सेम टू यू प्लीज टू बोल रही है? आई लव यू खुल्लम खुल्ला बोल ना। बोलो 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 बोलो। आई लव यू। सुन लिया आपने? ये भी आई लव यू, मैं भी आई लव यू, हम दोनों आई लव यू। हम दोनों प्यार करके शादी करेंगे और हर साल बच्चे पैदा करते रहेंगे। नाती नतनी को तो आप ही खिलाएंगे ना। क्यों ससुर जी, चलता हूँ अब मैं। स्वीटी, पापा परी तारा। क्यों भाई शिवकाशी, फायर को स्प्रे जैसा मार रहे हो, संभाल के मारना। शिवकाशी का फायर तो स्प्रे जैसा ही होता है रे। कौन है जो शिवकाशी को चुटके बजा के बुला रहा है? चुटके बजा नहीं रहा, बजा रही है। क्या स्वीटी, आई लव यू कहने के बाद तुम्हारा मन घर पर नहीं लग रहा है क्या, जो सीधा यहाँ आ गई? भैया आपके रेंट में आई लव यू देखे तो मिस वर्ल्ड को आना ही पड़ेगा। ये तो लोकल वर्ल्ड है, इसका आना तो आम है। सुन, तुम्हारे साथ बाइक पर आई मैं, मेरी चेन खींची तुमने, हम दोनों की चुगली करने वाले वो प्रोफेसर, तुम्हें आई लव यू बोलना था ना, तो मुझे आकर कहते, मेरी बहन को जाके क्यों बोला? तुम्हारी बहन को? जी हाँ, वो क्या तुम्हारी तरह लोकल पार्टी है क्या? अरे उसने फॉरेन में पढ़ाई की है, उसका कल्चर अलग है, उसकी सोच अलग है। पब्लिक में सबके सामने आई लव यू चिल्ला रहे थे, तुम्हारे जैसे लो क्लास पार्टी ने उसे आई लव यू बोला, इसीलिए इसीलिए पॉइजन पी लिया उसने। अभी वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। हॉस्पिटल में? हेलो बेटी हेमा, कहाँ हो तुम? डैडी अभी बहन कैसी है? बहन क्या बोल रही हो? क्या डॉक्टर ने जवाब दे दिया? क्या हो गया तुम्हें? बचना मुश्किल है। डैडी उसके मरने का कारण मेरे सामने ही खड़ा है, इसका नाम मैं जानती हूँ डैडी। मैं फिर कॉल करती हूँ। सुन, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे
तुम्हारे साथियों के साथ तुम्हारे आसपास वालों को सबको एक साथ लपेटकर घसीटते हुए पब्लिक के सामने रोते हुए कोर्ट में ले जाऊंगी और सबको फांसी दिलवाऊंगी। ये मेरा वादा है। क्यों भाई शिवकाशी, तुमने तो इसको भी और इसकी बहन को भी अच्छी तरह पहचान लिया था, ये सबसे कहा, वो कैसी नजर थी जो अब पहचान नहीं पा रहे हो? वो कब मरेगी, पुलिस कब आएगी? पुलिस आदमी का केस होता तो परवाह नहीं, ये लेडीज केस है, वही मोटी लेडी पुलिस आ जाएगी। बाप रे बाप, लेडी पुलिस वही तो नहीं आ जाएगी क्या? ये सिर्फ लेडीज केस नहीं है, मर्डर केस भी है, कानून के हिसाब से उनको ही आना है और वही आएगी। सुनो शिवकाशी, मुझे भी 5 मिनट का परमिशन दे दो। किस लिए? घर जाकर चड्डी पहन कर आता हूँ। भैया वो चड्डी नहीं, शॉर्ट्स है। चुप कर तू, तेरे लिए वो शॉर्ट्स होगा, शिवकाशी के लिए चड्डी है। सही बोला ना शिवकाशी? हाँ। यही मेन कारण था, वही चड्डी वाली बात मौत का कारण बन गई। ए भाई, तुम्हारी और उस लेडी पुलिस की दुश्मनी है, इस वक्त तू फंसा तो वो तेरे साथ भयंकर दुश्मनी निकालेगी। तेरा तो चल जाएगा मगर मेरा भी तो सोच ले यार। ए, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ता है क्या? पहले मैं जमीन लेना चाहिए। कहाँ है अपना वो वकील? ये सब उसके बस की बात नहीं है। तो फिर हमें किसी बड़े वकील को पकड़ना पड़ेगा। क्या बोला, अर्जेंटली जमीन चाहिए? पहले सारी बात तो बताओ। इसने एक लड़की से आई लव यू बोल दिया, दुखी होकर उस लड़की ने पॉइजन पी लिया। क्या, ये तो मुझे नया केस लगता है। आई लव यू कहने पर जहर कैसे पी सकती है? सीधा सीधा बताने की वजह है, लव को अपने तरीके से बताया। बंद मुट्ठी में क्या दिखेगा, वो लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, मुट्ठी खोल के दिखाइए। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, हेमा ज्वेलरी के रतन सेठ की दूसरी लड़की है वो। उस लड़की से अपने दोस्त शिवकाशी को प्यार हो गया है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि उस लड़की ने पॉइजन खा लिया है और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है, और जो उसकी बड़ी लड़की है, मतलब इस लड़की की बड़ी बहन, हाँ, वो आकर पुलिस बुलाने की धमकी देकर गई है। कभी भी पुलिस आकर इसे अंदर कर सकती है, ये सोचकर भाई घबरा गया है। तो आप एक काम कीजिए, भाई की जमानत दिलवा दीजिए। और हम लोगों का? अच्छा सर, एक काम कीजिए, सबको जमानत दिलवा दीजिए, साथ में इनकी भी जमीन दिला दीजिए। इनकी ऑफिस हमारे दुकान के प्लेटफॉर्म पर ही है ना, ये प्लेटफॉर्म वकील है ना। हेलो, बैठ जाइए। आपने जिस ज्वेलर रतन सेठ की बात की है, उसकी दो बेटी नहीं है, एक ही बेटी है। ए, आप शिवकाशी को बेवकूफ बना रहे हैं, आप कुछ भी बोलेंगे तो ये मान लेगा क्या? शिवकाशी को जैसा आप सोच रहे हैं वो वैसा आदमी नहीं है, ये बहुत पहुंचा हुआ है। सही बोला ना शिवकाशी? तो सुनिए, मैं उनका फैमिली वकील हूँ। तो आपके कहने का मतलब ये अनाथ वकील है? ये क्या पागलपन है, उन्हें छोड़ दे शिवकाशी। सोने की दुकान उस रतन सेठ की है ना? जी हाँ। उसका परिवार है ना? जी हाँ, मगर उससे क्या, 10 साल से मैं उसका फैमिली लॉयर हूँ। हाँ, ऐसे खुल के बताइए, तभी तो हमारा शिवकाशी समझेगा। सही है ना शिवकाशी? आप लोगों की रेंज क्या है मुझे पता चल गई, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, दूसरी तरह से समझाना पड़ेगा। ये स्पीकर फोन है, इस पे मेरी बात भी सुनाई देगी और उधर से जो बोल रहा होगा वो भी सुनाई देगा। अब सुनो, हेलो, मैं हेमा बोल रही हूँ। मैं हूँ बेबी, लॉयर लियो बोल रहा हूँ। अंकल, बोलिए अंकल, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं अभी जिम में हूँ अंकल। आपने अचानक किसे फोन किया? अरे कोई खास बात नहीं है, उस दिन जो तुम्हारा झगड़ा हुआ था वो किन लोगों के साथ हुआ था, आखिर वो मैटर क्या है? अब क्या बताऊँ, उस एरिया में एक लड़का है शिवकाशी नाम का, एक नंबर का बेवकूफ है। मैं एक नंबर का बेवकूफ? वो दिखने में तो बहुत शांत लगता है मगर जब बात करता है ना तो एकदम मवाली की तरह बात करता है। गधा है वो, एक नंबर का गधा है। गधा? वो मुझे धमकाने आया था। मैंने क्या किया ना, मैंने उसी को धमका दिया 10 औरतों को साथ ले जाके। हिल गया था वो, बुरी तरह से हिल गया था। हिल गया? मैंने उसे बेवकूफ बनाया, मैंने उसे ये कहा कि मेरी जुड़वा बहन है, मेरी हमशक्ल है। गधे ने विश्वास कर लिया। ऐसा पागल और इतना बेवकूफ आपने कभी देखा है क्या? मैंने तो अभी तक नहीं देखा लेकिन अब देख रहा हूँ। वो एक बेवकूफ अनपढ़ गवार है और उसके दोस्त बिना उल्लू की दुम है। अपने आप को न जाने सब क्या क्या समझते हैं। अंकल, मैंने उसे झूठा पुलिस केस सुनाकर डरा दिया, अभी वो सब कहाँ होंगे आपको पता है? कहाँ गए होंगे, बताओ बताओ बताओ।
सिटी में किसी गधे वकील के सामने जाके ही खड़े हो। मैं बाद में बात करता हूँ। आपने जामिन की जो बात की थी। क्या वकील, अब हमें जमानत की जरूरत नहीं। अब उस लड़की की आगे की पीछे की साइड की सारी जमानत तैयार करके रखो। नमस्कार, कैसी हैं? चलो। यू हेमा, तूने अपन के भाई को डांटा क्या? भाई को? हाँ जी, अपन दोनों हम शकल, अपन दोनों देखने में एक जैसा लगता है। उसका नाम शिव काशी मगर मेरा नाम जय काशी। जय काशी? माँ का नाम टिम काशी, बाप का नाम यम काशी, मगर मैटर ये नहीं है क्या। अब उनके भाई को कोई लड़का डांटे तो एक हफ्ता खाना नहीं खाता, मगर इस बार एक लड़की ने उसे डांटा। वो बेचारा अपमानित होकर चलती ट्रेन के सामने जान देने के लिए कूद गया। हाँ? चलती ट्रेन से? हाँ, 800 लोग मर गए। 800 लोग? है जी। ट्रेन से टकराया कौन? शिव का सीना, इसलिए ट्रेन पलटी हो गया। फिर उसको? फिर उसको कुछ नहीं हुआ, लाइटली स्क्रैच था, बर्नर डालकर हम लोगों ने सही कर दिया। हाँ। आप तो उसके साथ थे ना? वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूँ, हम दोनों हम शक्ल हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, केवल विग बदल लिया है, हेयर स्टाइल चेंज है। मैं वकील वेंकी का भाई मंकी बात करूंगा। व्हाट, मंकी? हाँ जी, आपका हमशक्ल है, इसका हमशक्ल है, इसका हमशक्ल है, तो मेरा हमशक्ल क्यों नहीं हो सकता? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? मेरा भी है। अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। ये सब ना चीटर्स है। ऐसी चीटिंग। एक मिनट, पहले तमीज से बात करो। क्या 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 क्या, क्या तमीज से बात करूँ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो करो ना। अब इन सबको बोलो बाहर जाने के लिए। ये हमारे फ्रेंड्स हैं, इधर ही रहेंगे। थोड़ा सीक्रेट मैटर है। जान जाने वाला भी मैटर क्यों ना हो, ये लोग इधर ही रहेंगे, ये हमारे जिगरी हैं, मैटर बताओ। ठीक है। हाँ। ओके। आई लव यू, 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 आई लव यू। अबे तुम सब बाहर जाओ बे। हम तो आपके दोस्त हैं, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अबे निकल ले। हम सब जिगरी दोस्त हैं, जान भी जाए पर हम नहीं जाएंगे। अगर तुम लोग नहीं गए तो तुम लोग तो रहोगे, तुम्हारी जान नहीं रहेगी। I will meet you in the court. चलो, पहले तो कभी नहीं बोला लेकिन आज बोल दिया। मुझे लगता है इसका केस अमेरिकन हाई कोर्ट में चलाना पड़ेगा। देखा, इतने दिनों पुरानी हमारी दोस्ती आज किस तरह लड़की के लिए टूट गई। ऐसे ही होता भाई। वो सब छोड़ो, मैं वकील वेंक की बात करूंगा। अभी इसकी क्या जरूरत है, मैटर पर आ जाओ। इस केस में मुझे फीस मिलेगी क्या? इसमें अगर तूने फीस लिया तो तू वकील नहीं दलाल कहलाएगा। देर लगा रहा है आने में, कितना जिम करेगा वो। हटो हटो आगे। भाई अंदर क्या क्या गुल खिला है? सच्चाई बताई। हाँ, तू राजा हरिश्चंद्र है ना, साफ साफ अंदर की बात बता। ये प्यार व्यार, ये इंतजार मुझे पसंद नहीं। इस चक्कर में मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा। लाइफ में अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। सारा फालतू काम छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दो। बाय। ए, तुमने शादी में आकर मुझे आई लव यू कहा वो था ना? तुम्हारे बाप को जलाने के लिए। तो फिर मुझे आकर आई लव यू बोलने के लिए क्यों बोला? अरे वो सब काउंटर डाला गया था ही रहता है। ध्यान से सुनो, जिंदगी में मैंने पहली बार किसी को आई लव यू बोला है। मेरी नजर में मेरा प्रेमी एक ही होगा, वो तुम हो। सेंसिटिव लव। बी सीरियस, मैं सिंसियरली तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। सिंसियर लव में लवर के लिए घर से भागना होता है, जान देनी होती है, क्यों यही ना? तुम्हारे सेंसियर लव को टेस्ट करने के लिए 10 माले से कूदो, चलती ट्रेन से कूदो, घर का बंटवारा करो, ऐसा पागलपन टेस्ट में नहीं रखूंगा। अगर मैं टेस्ट लूंगा तो या तो तुम्हारा भला होगा या तो मेरा भला होगा। तुम एक काम करो, तुम एक पूरी रात फुल नाइट मेरे साथ रह जाओ। क्या हुआ, होश उड़ गए ना तुम्हारे? मुझे पता था ये 2 पल के प्यार का नशा है। अरे यार शुकाशी, ये कैसी बात कर दिया तूने? उस लड़की का दिल कितना दुख रहा होगा पता है? देख देख वो जा रही है, उसे रोकना यार, रोकना। ए शिवकाशी, एक गरीब लड़की पैसे वाले लड़के से प्यार करे तो इसके 1000 कारण हो सकते हैं, मगर एक पैसे वाली लड़की तेरे जैसे गरीब से प्यार कर रही है तो उसका प्यार जरूर सच्चा होगा। हमें गरीब लड़की से शादी करे तो हम उसे जिंदगी देते हैं, और अगर हम पैसे वाली से शादी करे तो वो हमें जिंदगी देगी। ये क्या जिंदगी हमेशा देने का लेने का नहीं क्या? गरीब लड़की हो या अमीर लड़की हो, मगर वो बहुत अच्छी लड़की है यार। इसीलिए मैंने ये बोला ताकि उसके दिल में नफरत पैदा हो। उस दिन मैंने साड़ी पहनने को बोला तो उसके दिल में प्यार जग गया। आज साड़ी उतारने को
बोला तो प्यार खत्म, दैट इज लाइफ। ये शिवकाशी, तुम्हें प्यार का ज्ञान कहाँ से आया? ये तो अंदर की बात है। अरे तो क्या हमारा ज्ञान बाहर लटक रहा है क्या? पागलों जैसी बात कर रहा है। ये सब क्या? यहाँ अंदर क्यों बैठी हो? तुमने एक रात के लिए बोला था ना, तो यूज कर लो। तुम्हारे साथ शादी कर लेती तो मैं लाइफ जी लेती, लेकिन ये जिंदगी अजीब है। तुमने जैसा कहा मैं तुम्हारे साथ पूरी रात रहूंगी, कल पीऊंगी। देखो पॉइज़न, आज बिस्तर पर कल अर्थी पर, दैट्स लाइफ। ए, उठो उठो उठो, मैं बोलता हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हेमा खोलो दरवाजा, मेरे भाई आए हैं। तुमने तो हमारा मुंह काला कर दिया। जब तुमने पापा से कहा तुम मुझसे प्यार करती हो तो पापा ने हाँ कर दिया, हमने भी हाँ कर दिया, फिर तुझे इतनी जल्दी क्या हो गई? इसलिए हैसियत देकर प्यार करना चाहिए। अभी इसने अपनी औकात दिखा दी ना। चलो ए, इधर देख, 10 लोगों को मारना, घर के अंदर घुसकर किसी को भी धमकी देना, ये मर्द का काम है। प्यार करने वाली लड़की के साथ शादी के पहले सोना, ये कोई मर्दानगी नहीं होती। चल हे भाई शिवकाशी, क्या नाम था उस लड़की का? हेमा की शोभा, वो 3 दिन से नजर नहीं आ रही है। भैया आओ। दिनेश कॉलेज नहीं जा रहा है क्या? फीस भरी है ना? फीस तो भर दी। ये चैन मैं भाई को वापस करने आया हूँ। चैन वापस करने आए हो? फिर तुमने फीस कैसे भरी? चैन को गिरवी रखकर फीस तो भर दी, बाद में मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद की और मैंने चैन को छुड़ा लिया। भाई ये चैन उस लड़की को वापस दे दीजिए ना। ए, 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 क्यों भाई, तुम उस लड़की के साथ कॉलेज में पढ़ते हो ना, तो ये चैन उसे सीधे सीधे क्यों नहीं देते? शिवकाशी को बीच में क्यों डाल रहे हो? वो क्या है ना, 3 दिन से वो कॉलेज नहीं आ रही है। क्या बोला? वो 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है? 3 दिन हो गए वो इधर भी नहीं आ रही है और अब कॉलेज भी नहीं जा रही है। शिवकाशी मुझे तो डर लग रहा है। ए, अपना काम करना। क्या तू काम कर बोल रहा है? देख मेरा तो प्लेटफॉर्म फैमिली है, मेरी फैमिली को तेरे साथ दोस्ती करना पसंद नहीं है। और ये मोटा, इसकी माँ ने इसको कितनी बार तुझसे दूर रहने के लिए बोला? अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो वो तुम्हारे आदत और व्यवहार से जरूर नफरत करते। हाँ, मगर तुझे एक अमीर लड़की, खूबसूरत लड़की, तुझे ढूंढ ढूंढ के तेरे पास खुद आकर आई लव यू बोल रही है, वो तो तेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ए, तू बार बार खुद को अनाथ अनाथ बोलता रहता है ना, अगर तुझे वो लड़की मिल गई ना तो समझ पूरी दुनिया मिल गई तुझे। उसके भाई लोग की नजर में उस लड़की ने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा समझकर उसके भाई लोग उसे मारते हुए ले गए। हमारे में मारकर सही करते हैं और पैसे वाले खत्म कर देते हैं। और अगर ऐसा समझकर उसके घर वालों ने उसे खत्म कर दिया तो उसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे बल्कि तुम होगे। खूनी वो लोग नहीं कहलाएंगे बल्कि तुम कहलाओगे। तुम्हें ऐसा होने से रोकना होगा वरना तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। सुनो शिवकाशी, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन कम से कम ये देखकर तो आओ कि वो लड़की किस हाल में है। हम सबका यही कहना है। भैया ये बगड़ी है बाइक की चाबी। ए, कहाँ है माँ? हाँ, कहाँ है? क्या कर रहे हो? क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? ए, हेमा कहाँ है? ए, वो मेरी बेटी है, उसके बारे में पूछने वाला तू कौन? वो मेरी लवर है, मैं उसे अभी जिंदा देखना चाहता हूँ, नहीं तो यहाँ पे एक एक को काट के रख दूंगा, समझ गया ना? कहाँ है माँ? मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, कहाँ है माँ? हेमा कहाँ है? बोल हेमा कहाँ है? कहाँ है माँ? Oh,
कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारे लिए हमारी जान लेने आ गया, वो जरूर तुम पर अपनी जान लुटा सकता है। इससे अच्छा लड़का मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। तुम्हें ओके है तो मेरे लिए भी ओके। अपना हाथ मांगने के लिए तुम उसे बुला सकती हो। कहाँ है विष्णु काशी? वो अभी घर पर गया है। घर पर? हाँ। क्यों मेरे बाप को मारने गए थे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों मारने गए थे? मुझे लगा तुमको कुछ हो गया इसलिए। नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए ना तो मेरा ख्याल रखने वाले मेरे डैडी हैं, मेरे भाई हैं, बैंगलोर में मेरे मामा हैं, हैदराबाद में चाचा है, मेरा ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं। और तुम्हारा ख्याल रखने वाला कौन है? क्यों, तुम नहीं हो क्या? क्या मैं? और मैं तुम्हारी कौन हूँ? भला मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूंगी? तुम मेरी लवर हो ना? क्या, लवर हूँ? बाप रे बाप, रोज मुझे 100 SMS करते हो या मुझे फोन करके हर महीने 10,000 बिल भरते हो, मुझे 4 बार सिनेमा या 3 बार बीच ले जाते हो, या मुझे हर रोज घुमा घुमा कर थक चुके हो। ये सब छोड़ो, इधर तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेली हूँ। क्या मेरे आते ही तुमने मुझे गले लगाया, चुम्मा लिया, बाहों में कस के भर कर, होठों से होठ मिलाकर मेरे मना करने तक क्या तुमने मुझे चूमा? हाँ बताओ ना, फिर कैसे मैं तुम्हें प्यार करूँ? प्यार किया क्या, चुम्मा लिया क्या, बताओ फिर कैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी? कोई भी नहीं है। मेरे डैडी के लिए और हमारे लिए हमारी बहन जान है, मगर आप पर वो जान देती है, इसलिए हमारे डैडी बिना किसी एतराज के आपसे उसकी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। शादी के बाद आप इधर ही रहेंगे क्या? हाँ क्यों? सुनिए, हमारे शहर में 10 बंगले हैं, आपको जो बंगला पसंद है उसे रहने के लिए ले सकते हैं। केवल वो ही नहीं, हमारी 6 दुकानें हैं ज्वेलरी की, जो आपको पसंद है उसे लेकर आप चला सकते हैं। निकलो, ए, निकलो यहाँ से। हमारे साथ इज्जत से बात करो। इज्जत चाहिए तुझे? चल यहाँ से, चल। हमने ऐसा क्या कहा जो इतना भड़क रहे हो? ए, मुंह खोल के बोलना, मुझे घर जमाई बनाना चाहता है, यही ना, यही बोलना चाहता है ना? हमने तुमसे कुछ मांगा, बल्कि हम तो आपको दे रहे हैं। तू मुझे क्या देगा? ए, है? ए, तो मुझे पैसे देगा? ज्यादा देगा? बताओ तुझे, बताओ तुझे, निकलो यहाँ से, जमाई बनाना चाहते हैं, पैसे का रोब दिखाना चाहते हैं, रोब दिखाएंगे पैसे का हमें। चल चल, तू बता रहा, वो अपने आप को पैसे वाला समझ रहा है ना, उसको टेंशन लेने दे, तू ज्यादा फिकर मत कर, बैठ सब। अरे भाई शिवकाशी, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, इतना गुस्सा ठीक नहीं। दिखा दी ना, तू शांत हो जा। क्यों मेरे भाइयों को मारा? मैं पूछ रही हूँ ना, क्यों मेरे भाइयों को मारा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें कमाकर खिला नहीं सकता? हम इस घर में जी नहीं सकते क्या? क्या इस घर में हमारे बच्चे नहीं पल सकते? क्या इस घर में रहने वाले इंसान नहीं होते? कहते हैं दुकान देता हूँ घर देता हूँ, तुम्हारे भाई है इसलिए अभी तक जिंदा है वो। वो मेरे भाई है, बंगले में एसी में रहने वाली बहन इस घर में कैसे रह पाएगी, इसलिए उन्होंने बोला होगा। भाई ऐसा ही सोचते हैं, वरना वो भाई नहीं होते। तुम मुझे चाहते हो या नहीं चाहते हो, तुमने सबके सामने उनको बेइज्जत किया। ए, तुमने प्यार करके खुद को मर समझ लिया क्या? प्यार जानवर भी करते, पंछी भी करते हैं, पर वो उनकी कदर भी करना जानते हैं। प्यार की परिभाषा तुम्हें क्या पता? माँ बाप के साथ रहे हो क्या?
भाइयों का साथ क्या है पता है? नहीं तो बहन का प्यार क्या होता है पता है? प्यार के बारे में तुम्हें क्या पता है? तुम एक अनाथ हो और तुम प्यार की कदर कभी नहीं कर पाओगे। तुम जैसे से प्यार की बात करना तो बेवकूफी है। कौन अनाथ है? किसको अनाथ बोल रही हो? मेरे भी माँ बाप हैं। मेरा भी एक बड़ा भाई है। मेरी भी एक प्यारी सी बहन है। मुझे कोई अनाथ बोलेगा ना तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हें किसने अनाथ बोला? क्या मैंने बोला? तुम्हें तो बताया था। तुमने सबके सामने खुद को अनाथ बताया था। हाँ बताया था, मैं अनाथ नहीं पर अनाथों जैसा जी रहा हूं। ठीक है, अभी तुमने उनके बारे में बताया, अब वो कहाँ है? गांव में। गांव में? किस गांव में? यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। वो इधर कब आए थे? वो यहाँ कभी नहीं आए। तो फिर उनसे आखिरी मुलाकात कब हुई? बता, उनसे तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई? मुझे उन्हें देखे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए? क्या बोल रहे हो तुम? बचपन में ही मैं उनसे अलग हो गया था। इधर मेरा नाम शिवकाशी है मगर मेरे माँ बाप ने मेरा नाम मुन्ना रखा था। आया है राजा। अरे अरे डैडी देखो मुन्ना कैसा डांस कर रहा है। डांस करेगा तू? चल। उसके शरीर में सचमुच देवी है? ए, ये सब झूठ है, सब एक्टिंग है। उसके शरीर में सचमुच देवी है? ये झूठ है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊं क्या? चलो दिखाओ। तो चल मेरे साथ। चलो। ये कितने का है? ए मुन्ना, एक काम करना। क्या भाई? तू अपने घर जा और दिवाली में बचा हुआ 1000 वाला पटाखा लेकर आ जा। चल जा जल्दी। नहीं, वो दूसरे त्योहार के लिए रखा है, ऐसा माने का है। अरे मुझे आज पटाखा फोड़ना है। जा जा। ठीक है ठीक है, मैं जाकर लाता हूँ। लेकिन ये चश्मा दोगे क्या? मैं नहीं दूंगा, पहले जा। फिर मैं नहीं जाऊंगा। ए सुन सुन सुन, चल ठीक है, ये ले पकड़। पटाखे लेकर कहाँ जा रहे हो? ये फोड़ने के लिए। ए बहरी नानी, ये पटाखे हैं, समझी? ये तुम्हारे कान में जाने के बजाय तुम्हारे आँख में जाने चाहिए। मुझे सुनाई नहीं देता, ये समझ रहा है क्या? मेरा भी वक्त आएगा, फिर मैं तुम सबको दिखाऊंगी। ये लो पकड़ो। चलो चलो देखो।
पूरी जल गई। कमीना, किसने किया था? कर जाओ। अरे नहीं, किस पापी ने इसका ये हाल कर दिया? हे भगवान, ये सब तू चुपचाप क्यों देख रहा है भगवान? ये लड़का पटाखा लेकर गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने इसे पूछा क्यों, तो बोला फोड़ने के लिए, पटाखा फोड़ने के लिए ले जाते हैं। बता, तूने पटाखे फोड़े? पापा, मैंने पटाखा लाया पर मैंने फोड़ा नहीं था। तूने नहीं फोड़े तो किसने फोड़े? पापा, मैं नहीं जानता हूँ। क्या तू नहीं जानता? सच में मैं नहीं जानता। ए, मुझे गुस्सा मत दिला, किसने फोड़ा है? जल्दी बता, जल्दी बता। पापा, पटाखा इसी ने फोड़ा था। पटाखों से बचने के लिए मुझसे इसने चश्मा भी मांगा था। मुझे क्या पता था ये ऐसा करने वाला है। देखिए, ये चश्मा इसके जेब में ही है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए सच के लिए? पापा, मुझे मत मारिए, मैंने पटाखा नहीं फोड़ा। पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। पापा, चल उधर हट। क्या कर रहे हो तुम? बताओ, आज मैं आज भेज दूंगा। कैसे नहीं कर सकता तुम? जाओ यहाँ से। नहीं कर सकता। माँ, माँ, छोड़ दीजिए उसे। वो नहीं कर सकता, उसे क्यों मारे? उसकी जान ले लूँगी क्या? ए, आज से अपनी शक्ल मत दिखाना। घर की तरफ आया तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा। जा, मेरी नजर से दूर हो जा। ए, तू चल। मुन्ना। ए, कहीं दूर चला जा तू। चलो भाई, चलो 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 चलो। जा, मेरी नजर से दूर हो जा। और उसी दिन मैं यहां आ गया। अब मैं वापस वहां जाकर अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहता। बचपन में मेरा भाई जो भी गलती करता उसका इल्जाम मुझ पर लगा देता, और इस वजह से मेरे पिताजी मुझे मारा करते थे। जब कोई औरत मुझे मुन्ना कहकर बुलाती थी तो मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, और जब कोई आदमी मुझे मुन्ना बोलकर पुकारता था तो मुझे पिताजी बहुत याद आते थे। तब मुझे बहुत दुख होता था, इसलिए मैंने अपना नाम शिवकाशी रख लिया और अपने परिवार को भुलाकर जीना सीख लिया। घर देता हूं तुम्हारे भाइयों ने बोला, इसलिए मैंने उन्हें नहीं मारा। मेरे गांव में मेरा बंगला है, जायदाद है जिसकी कोई गिनती नहीं। यह सब होने के बाद कोई मुझे भीख दे रहा है, यह सोचकर मुझे गुस्सा आ गया था। देखो, एक बार तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांट दिया तो तुम उन सबको छोड़कर आ गए। कितनी बार तुम्हारे पापा ने प्यार किया होगा तुम्हें, उनके बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हारे घर छोड़ के आते वक्त बहन की क्या उम्र होगी? यही कुछ 7-8 साल होगी ना? उसकी शादी हुई या नहीं हुई, बच्चे हुए या नहीं हुए, वो छोड़ो, तुम्हारी बहन जिंदा है या मरी है तुम्हें पता है क्या? तुम नहीं जानते ना? फिर तुम्हें क्या हक है एक बहन से प्यार करने वाले भाइयों को मारने का? एक छोटी सी बात के लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़कर आ गए थे? पति पत्नी के बीच में हमेशा झगड़ा होता है। कल तुम्हारी होने वाली बीवी तुम्हें कुछ बोल दे तो तुम उसे छोड़कर चले जाओगे क्या? मुझे छोड़ो, कोई दूसरी भी तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरी बात सुनो, मेरे डैडी ने कहा है तुम घर पर आकर हाथ मांगोगे तो शादी होगी, पर अभी मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन है। मैं तुमसे शादी करूंगी मगर तुम अकेले आओगे तो नहीं, तुम्हारी माँ, पिताजी, भाई, बहन, ये सब आएंगे, तभी मैं जाकर मानूंगी। और
अगर ये नहीं हुआ तो किसी और से शादी कर लेना, मगर मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आप सब कुछ सोच समझ कर भेज रहे हैं ना? अब क्या बताऊं, ये मिल तो चलता नहीं, मैं कब तक इसकी देखभाल करूंगा? आप लोगों को ज्यादा तजुर्बा है, इसे लेकर चलाइए। भाई मुझे अच्छी तरह से याद है, आपके परिवार ने किसी ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची है। आपके खानदान में आप पहले इंसान हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? अरे क्यों बूढ़े, 50 लाख की जायदाद मैं बेचने जा रहा हूँ, मुझे दुख नहीं हो रहा है? और एक कप चाय के लिए गवाह बनने आए हो तो तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? चलो पैसा सामने रखो। साहब, आप जो खरीद रहे हो खानदानी जायदाद है जी। इसका मुन्ना नाम का एक भाई और है, बिना उसके साइन के ये नहीं बिक सकती। भाई अरे भाई भाई कोई भी नहीं है मेरा, वो तो कब का मर चुका है। वो नहीं मरा है, वो जिंदा होगा। मुन्ना हमारा दोस्त है, वो यहाँ जरूर आएगा। वो सब चले गए, आप लोग बैठो। ए, मैंने कहा ना बैठ जाओ। पैसा सामने रखो, मैं साइन करता हूँ। आपके भाई की बात ये कहाँ लगा रखा है? भाई भाई भाई, अरे उसे गुम हुए 15 साल हो गए, वो वापस नहीं आएगा। ट्रेन गाड़ी लॉरी से कुचल के मर गया होगा, वो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल गया होगा। वो वापस तभी आएगा जब मिट्टी से बाहर निकलने देगी। क्या वो मिट्टी से निकल कर यहाँ आएगा? क्या वो कोई अवतार है? सुनो भाई, उदय भाई यहाँ के एमएलए हैं क्या? आज से नहीं, 10 सालों से हैं। कौन हो तुम? कौन चाहिए तुम्हें? मैं एमएलए से मिलना चाहता हूँ। एमएलए से मिलना है? आज तो उनका जन्मदिन है, सासू माँ से आशीर्वाद लेने गए हैं, आने में 2 दिन लगेगा। एमएलए साहब की माँ? माँ जी वो तो पीछे की तरफ होंगी, जाकर मिल लो।
सुनिए। कौन हो बेटे? एमिली से मिलने आए हो क्या? बेटा क्या हुआ? एमिली से मिलना है ना? आपने कुछ बोला नहीं? लगता है बहुत साल बाद यहाँ पर आए हो ना, तभी तुम ऐसा पूछ रहे हो। दो लड़के थे मेरे, एक तो गंगा, दूसरा कीचड़। गंगा, गंगा कहाँ एक जगह रुकती, वो तो बह गई। कीचड़ यही जम गया। मेरी जिंदगी बस। सुनिए, क्या आपका बड़ा बेटा आपका ख्याल नहीं रखता? मैं तुम्हें कैसे बताऊं क्या है, अपनी सासू माँ के जन्मदिन पर उनके लिए 10 साड़ियाँ ले आया, औरत के लिए 20 साड़ियाँ, नेकलेस, कान की बाली, बहुत कुछ ले आया। मगर जन्मदिन वाली माँ का हाल देखो। मेरे हाथों से खाना खाता था, माँ माँ बोलता था। जब मेरा उसके हाथों से खाना खाने का मौका आया, तब पुटी जाओ कहकर भगा दिया। इतना बड़ा बंगला छोड़कर आप यहाँ पर भैंसों के तबेले में? मेरा छोटा लड़का भाग गया था ना, जैसे तुमसे कह रही हूँ ना, वैसे ही मैं उधर आने जाने वालों से कहती रहती थी, तो मुझे पागल बेवकूफ बोलकर यहाँ छोड़ दिया। अगर आपका छोटा बेटा आ जाए तो आप क्या करेंगे? तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, तेरी बात सच हो। अब तक मेरे शरीर में जान है तो छोटे लड़के के लिए, वो बस आ जाए, मैं उसे अच्छी तरह देख लूं, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सुनिए, आपकी एक बेटी भी है ना? अच्छा, वनिता के बारे में पूछ रहे हो? उसकी मुसीबत तो मेरी मुसीबत से भी बढ़कर है। बताइए मुझे, आपकी बेटी को क्या हुआ? वो मैं नहीं बता सकती। बताइए मुझे, आपकी बेटी का क्या हुआ? जैसे मेरी बेटी की शादी हुई, वैसे इस दुनिया में किसी की शादी नहीं होनी चाहिए। अब क्या, लड़की तो पसंद है ना, अब खाना खाने चलो। अरे बाप रे बाप। अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? अरे मेरी जायदाद को तुम लोग खा रहे हो, इसीलिए हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों माजी, ये लोग लड़की देखने आए हैं क्या? मां बेटी को दूसरा काम तो है नहीं। अरे मनहूस, तेरे को क्या हुआ? अरे तू तो किसी को भी पटा सकती है, तो क्यों नहीं किसी को पटाकर भागती है? मेरी छाती पे मूंग क्यों दल रही है? कैसे राक्षस की तरह खा रहे हैं? खा लिया, अच्छी तरह खा लो, डकार ले लेकर खाओ और उसके बाद निकल लो। अरे लड़की देखने के बहाने खाना खाना, यही तो काम है तुम लोगों का। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? ए रामा, ये क्या कर रहा है तू? मंगलसूत्र पहना रहा हूँ। ए, इस घर में हमारी बेइज्जती हुई है। तूने इस लड़की से शादी की तो तेरा यह बाप तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। चलो यहाँ से। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। ये सारे जेवर उतार दो। हाँ?
ये पैसे किस लिए पता है? शायद ये साड़ी तेरे पैसे की होगी, इसलिए रख ले इसे। इस तरह गई है वो यहाँ से, वो कैसे वापस आएगी? इस वक्त वो कहाँ है? मैं बाहर जा रहा हूँ, जो सामान खरीदना है खरीद लेना, मुझे आने में देर लग जाएगी, समझ गई ना तुम? सुनिए, हाँ? ये वनीता की दुकान किधर है? उधर देखिए, वो पहली दुकान है। ए वनीता, दो पाव देना। मैं नानीग्राम कोटला से आया। ठीक है, गरम दूध चाहिए या ठंडा दूध? वनीता, तुम ही हो ना? हाँ मैं हूँ। तुम्हारे भाई उदय के घर से आ रहा हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, आप किस भाई की बात कर रहे हैं? तुम्हारे भाई की तरफ से नहीं आया, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था। मेरी माँ ने मिलने के लिए कहा होगा, पर मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। ऐसे लड़कों को जन्म दिया, उसकी सजा यही होनी चाहिए। ठीक है, तुम इतनी दूर से आए हो, तुम हो कौन? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप हैं कौन? दूर का रिश्ता है, रिश्ते में तुम्हारा भाई। ये क्या बोल रहे हो, मेरे तो दो भाई पहले से ही हैं। देखो हाल क्या है, अब तुम कह रहे हो कि तुम भी मेरे भाई हो। ए, मारूंगा तुझे। तुझे कितनी बार मैं समझाऊं, आने जाने वालों को भक्ति रहती है। तुझे मैं समझा के थक गया हूँ। ठीक है अपना काम कर, मैं तब तक मिल जाके आता हूँ। माँ, ये लो माँ, चाय दूध का पैसा आज का। तुम्हारे लिए आपने इतना अच्छा कपड़ा दिलाया, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? मामा बोलकर छोड़ो मुझे। जी, जी। अरे रुको, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मुझे मामा से नफरत है, मेरा बड़ा मामा, जब मैं पैदा हुई हूँ तब से आज तक मुझे देखने भी नहीं आए। मेरे छोटा मामा, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तभी सबको छोड़कर चले गए थे, पता है? जब मेरा छोटा मामा आएगा तब मेरी माँ मेरे कान छिदवाकर उसे बाली पहनाएगी, ऐसा बोला है मेरी माँ ने। मुझे मामा लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आप मामा बनकर कुछ दिलाएंगे तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मामा नहीं, दोस्त। ठीक है माँ, दोस्त है तो ठीक है ना माँ? आप, मैं, माँ, पापा, सब दोस्त है, ठीक है ना? ठीक है। जिस दिन तेरा बाप मरा उस दिन तेरी माँ भी मर जाती। तू कभी ना कभी लौट कर आएगा और वो तेरा मुंह देखेगी इसी आस में उसने अपने आप को अब तक जिंदा रखा है। तू अपनी माँ से मिला ना तो उसे क्यों नहीं बताया कि तू उसका बेटा है? तेरी बहन इस घर में जायदाद और पैसे के लिए नहीं जी रही है, कभी ना कभी एक दिन तू वापस आएगा इसी उम्मीद पे वो जी रही है। तू उधर गया, उससे मिला, फिर क्यों नहीं बताया कि तू उसका भाई है? ए, फिर तो तुझे इधर आना ही नहीं चाहिए। बंगलों में महारानी की तरह रहने वाली मेरी माँ आज भिखारी की तरह तबेले में रह रही है। उधर जाकर मैं बताऊं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। शान से जीने वाली मेरी बहन आज सड़क के किनारे जिंदगी गुजार रही है, उसको मैं किस मुंह से बताऊं कि मैं तुम्हारा भाई हूं? फिर से मैं उसी बंगले में अपनी माँ को महारानी की तरह रखूंगा, फिर सबको बताऊंगा कि मैं कौन हूं।
अपनी बहन को शांत की जिंदगी देने के बाद ही उसे बताऊंगा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तभी मर्द कहलाऊंगा। यही हमारी परंपरा है। इन दोनों जिंदगियों को सुधारने के बाद ही मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। तेरे पिताजी अपनी मौत नहीं मरे। चुप, क्या बक रहा है? तेरे पिताजी चुप। मेरे पिताजी को बोलना, उन्हें मारा गया है। मारा गया है? क्या कह रहा है तू? बोल, बोल ना, बोल, बोल किसने मारा? बोल, बोल ना, बोल। सुनिए मालिक, मेरी बेटी के साथ आपके बेटे ने इज्जत लूटने की कोशिश की, अब ये लड़की किसको अपना मुंह दिखाएगी? रुकिए मालिक। क्यों रे नालायक, क्या है सब? पहले दम की लत, फिर दारू की लत, और अब एक जवान लड़की को बलात्कार करने की कोशिश? ऐसा तूने सोचा भी कैसे? ऐसी हरकत हमारे खानदान में किसी ने नहीं की। तू कैसे बिगड़ गया है? क्या तू सच में मेरी औलाद है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाके माँ से पूछो मैं किसकी औलाद हूँ, पता चलेगा। मालिक, मालिक, मालिक। देख, तेरा भाई अपने घर की तरफ जा रहा है। जाके माँ से पूछो मैं किसके औलाद हूँ, पता चलेगा।
तूने क्या बोला? hey! मैंने क्या बोला? hey! अब बोलेगा। ये कौन सा लेटर है पता है? तूने मेरी औरत का रेप किया है, उसने खुदकुशी कर ली। तूने तो कोई सबूत नहीं छोड़ा कि उसकी मौत का कारण तू है, लेकिन वो इसमें लिख कर मरी है। hey! लेकिन तू किसका पति है? अगर मैंने इसे पुलिस को दे दिया ना तो। ऑल पुलिस कमांड जी, मालिक जी, आपको किसने मारा है? आपके यहाँ से फोन आया था। मैंने इसे मारा है, अरेस्ट कर लीजिए। अरे नहीं, इसने नहीं मारा, ये तो झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं मारा है, मुझे अरेस्ट कीजिए। अरे तुमने कहा मारा? अरे झूठ मत बोलो, इसने नहीं मारा। जिसने आपको मारा है वो कबूल कर रहा है फिर? अरे बताओ ना तुम लोग। सुनिए साहब, ए भैया बहुत अच्छे है, इन्होंने नहीं मारा, आप जाइए। बिना मार खाए मुंह से खून निकला है। अंदर की बात है, हमारी पार्टी का मैटर है, आप बीच में मत आइए, जाइए बाहर। पुलिस वाले एमएलए बोल रहा ना, जाओ। ओके सर। पुलिस गई तो क्या मैं पुलिस स्टेशन नहीं जानता, कोर्ट नहीं जानता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जानता हूँ। सारी जगहों पर ये लेटर ही बात करेगा, ये लेटर तुम्हें मौत तक पहुंचा सकता है। अब मुझे पता चला कि तू घुमा फिरा कर क्या बोल रहा है। उस लेटर का तुझे कितना चाहिए? 2, 4? छे? अरे भैया का है मैटर, खमखा बढ़ा रहे, सीधा सीधा राउंड फिगर 10 करके भगाइए। भैया 10 जाके 10 लेके आना। अच्छा सुन, कुछ भी हो इस लेटर के लिए 10 बहुत ज्यादा है। तू पैसे को इसमें लेकर क्यों आया? भैया 10 लाख कहा था ना, ले आए हम। 10 लाख लेकर आया? इस लेटर की कीमत 10 लाख रुपए। पैसा चाहिए या लेटर? पैसा? फांसी, फांसी, फांसी पर भी लटका सकता है। लेटर तो दे दो। Hey! अरे ये लेटर तो कोरा है। तुम्हारी आंखों से दिखता नहीं है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है। चश्मा पहन लो, सब दिखेगा। तेरी तो। अरे भैया अब तुरंत पुलिस को कंप्लेंट कीजिए। पुलिस को फोन करेंगे ना तो वो हमें एमएलए उदय नहीं कहेंगे, मेंटल उदय कहेंगे, समझा? और तू रे, 10,000 लाना था और तू 10 लाख लेकर आया। 10,000 चाहिए तो पहले बोलना चाहिए था ना, आप तो केजी के बच्चे जैसी बात कर रहे थे। आप खुश है ना? फिर क्या, फटाफट साइन करके पैसे ले लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। क्या रे, एक हाथ तो तोड़ दिया, दूसरा भी तोड़ू क्या? नहीं उदय भाई, ये बात नहीं है, आपकी फैक्ट्री का रास्ता ये जानता नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। नहीं जानता? उदय की फैक्ट्री का रास्ता कौन नहीं जानता? तू यहाँ कैसे आया? आपका मेरा तो पैदाइशी झगड़ा है, मैं अरविंद जी से बात करता हूँ। अरे तेरी तो। भाई शांत हो जाओ, वो लड़का अरविंद से बात करना चाहता है तो करने दो। हाँ बोलने दो, बोलने दो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरविंद जी, आप जो जायदाद खरीद रहे हैं वो तो खानदानी जायदाद है, इनका एक भाई और भी है, उसका भी दस्तखत करना बहुत जरूरी है ना। देखिए अगर वो कल वापस आए और आपसे पूछे कि बिना दस्तखत के आपने जमीन कैसे खरीद ली, तो आप क्या कहेंगे? मेरा एक सुझाव है, थोड़ी देर के लिए मैं इनका भाई बन जाता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ। अबे सालों, मेरे दस्तखत के बिना मेरी जायदाद कैसे खरीदी रे? कैसे खरीदी रे? क्या ये इसकी कमाई की जायदाद है? मेरे पिताजी के पिताजी की कमाई की जायदाद है ये? सिर्फ इसके दस्तखत से काम नहीं चलेगा, मेरी भी दस्तखत होनी चाहिए थी ना। मेरे दस्तखत के बिना कैसे जायदाद खरीदी रे? जरा देना तो इधर है, अरविंद जी, अरविंद जी, इसी तरह उसका भाई आपका हाथ काट देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप तो सीधे साधे आदमी है ना, इसलिए जरा सोच समझ कर कदम उठाना ही ठीक होगा, है ना? किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ठीक नहीं होता अरविंद जी। भैया ये तो एकदम हीरो जैसी बात कर रहा है। तुझसे कुछ पूछो। ऑटो निकाल रहे। अच्छा चलो अब जल्दी पैसा निकालो, जायदाद में कुछ गड़बड़ दिख रही है। कुछ गड़बड़ नहीं है, चलो जल्दी से पैसा निकालो। मगर वो भाई। ए, मैंने कहा ना कि मेरा भाई मर गया है। सुनिए उदय जी, आपका भाई मर गया है ये आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, गांव वाले बोले, रिश्तेदार बोले या माँ बाप बोले, नहीं तो डेथ सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, वरना तुम्हारे भाई को खुद आकर साइन करना पड़ेगा तभी जायदाद बिकेगी, यही है कानून। ओहो, ऐसा तुम्हारा कानून बोल रहा है क्या? सब सुन लो, आने वाले 12 तारीख को पूर्ण अमावस्या है, उस दिन मैं जायदाद भेज दूंगा, उसके बाद तेरे कानून को जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। भगवान।
भगवान छोटे मालिक की आत्मा को शांति प्रदान करे। भाई जी यही आपका फैमिली फोटो है ना? हाँ भाई यही है। मुन्ना मेरा रूममेट था, हमेशा इस फोटो को देखकर रोता रहता था। आखिर में उसका हाल ऐसा क्यों हो गया? इस फोटो को बाजी को ले जाकर दिखाओ। माँ मुन्ना मुन्ना भाई इधर तू अपने मरे हुए बाप का शोक मना रहा है, उधर पूरा गांव तेरे मरने का शोक मना रहा है। मेरी मौत का? उदय अनाथ मुर्दा लाकर के सारे गांव को बेवकूफ बनाकर मातम मनवा रहा है। इसको सच समझकर तेरी माँ और बहन भी रो रही है। दोस्त तू ही मुन्ना है कम से कम, ये बात अब तो बता दो। नहीं, अपनी माँ और बहन को नई जिंदगी देने के बाद ही मैं बताऊंगा कि कौन हूँ। तू कभी ना कभी एक दिन जिंदा वापस आएगा उसी भरोसे पर। तेरी माँ अब तक सांसें ले रही है, तू मर गया समझकर उसको कल कुछ हो गया तो उसके बाद तेरा सच बोलकर क्या फायदा हो जाएगा, बता ना। देखो दोस्त सच बता दो। बताता हूँ। बेटा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। भाई आपका भाई जिंदा है? किस पागल ने कहा कि आपका भाई मर गया? सचमुच में आपका भाई जिंदा है? मैं बोल रहा हूँ आपका भाई जिंदा है? अरे ये भाई मर गया तो आपका दूसरा भाई नहीं है क्या? क्या मैं आपके भाई की तरह नहीं हूँ? और ये चारों भी तो आपके भाई की तरह हैं। इस तरह आपके हजारों भाई हैं ना, आप चिंता क्यों करते हैं भैया? सारे गांव वालों को एक सच्चाई बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिए, ये सारा मातम ड्रामा है। क्या ये ड्रामा है? ये दुनिया भी एक ड्रामा है, जहाँ मैं भी एक कलाकार हूँ और आप सब भी एक कलाकार हैं। ये जो यहाँ मरा पड़ा है मुन्ना, ये पुराना कलाकार है। ये जो जिंदा है उदय, ये दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार है। मुन्ना अपने भाई को छोड़कर चला गया ये सोच रहा है क्या? हो सकता है मेरे आंसू झूठे हो भाई, लेकिन उनके आंसू तो सच्चे हैं। भैया मुर्दे से बात कर रहा है, उसको जिंदा करेगा का? देखो मुन्ना की जेब में लगता है पैसा पड़ा हुआ है। क्या क्या मुर्दे की जेब में पैसा? मैं देखता हूँ। अरे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, चिट्ठी है शायद मुन्ना ने लिखी है। पता नहीं चिट्ठी में क्या लिखा है। तो फिर पढ़िए ना चिट्ठी। मेरे भाई उदय को उसके भाई मुन्ना का लिखा पत्र। मुझे तुमसे अलग हुए 15 साल हो गए, अनाथ जैसे जीने वाला मैं अपनी संपत्ति को अपने गांव के अनाथ आश्रम और गांव के विकास के लिए उन्हें देने के लिए भाई से निवेदन करता हूँ। गांव वासियों के लिए एक सूचना, मेरी सारी जायदाद गांव वासियों को और यहाँ के अनाथ आश्रम को मिलने के बाद ही मेरा क्रियाक्रम करना, ऐसा होने पर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आपका प्यारा मुन्ना। अब देर क्यों उदय, इसकी जायदाद अनाथ आश्रम को लिख के दे दो। हाँ, लिख दो। ये मेरे भाई की चिट्ठी नहीं हो सकती है। ये चिट्ठी इसकी जेब से निकली ना? अगर ये चिट्ठी इसने नहीं लिखी है तो क्या इसकी जेब में चिट्ठी इसने लिख कर रख दी है? देखिए आप लोग, ये मेरे भाई की चिट्ठी नहीं हो सकती है। कैसे नहीं, तुम्हारे बोलने से क्या गांव वालों को यकीन हो जाएगा? मैं अभी यकीन दिलाता हूँ। ये देखो चाचा, बचपन में लिखी हुई मेरे भाई की नोटबुक है, दोनों की राइटिंग मिलाकर खुद ही देख लो। दोनों की लिखावट बिल्कुल एक जैसी है। यही तो है ये। अब कोई भी संदेह नहीं रहा। उदय अब जायदाद गांव के नाम कर दो, तभी इसका अंतिम संस्कार होगा। मेरी जायदाद पर कोई हाथ भी नहीं रख सकता। तो हम लाश नहीं जाने देंगे। अरे ये तो मेरा भाई है ही नहीं। अभी तक भाई बोल रहे थे, अब मना कर रहे हो? अरे बता ना, क्यों नहीं बताता? मैं माफी चाहता हूँ, एक अनाथ मुर्दे को रेडी करके उस मुर्दे को मेरा भाई बताना, ऐसा उदय जी ने कहा। और ये फोटो भी इन्होंने भिजवाई थी, मगर इतना बड़ा हंगामा होगा हमने सोचा नहीं था। आपने क्या पाप किया बताओ, बोलो। माँ को तंग कर रहे हो, मुझे तंग कर रहे हो, भैया अपनी जिंदगी कहीं काट रहे, वो भी पसंद नहीं क्या? क्यों भैया को मरा हुआ देखना चाहते हो, बोलो। मेरे से सवाल कर रही है, तेरे मुंह में जुबान आ गई है। छोड़ उसे। ओए, मुझे रोकने वाला तू है कौन? तू ज्यादा उछल रही थी ना। ओए, मैं तेरी हाथ हटा। ओए, हटाता है या मैं हटाऊं? ओए, ये हमारा फैमिली मैटर है। कौन सा फैमिली मैटर है? अपनी सगी बहन पर जुल्म करेगा
मैं देखता रहूंगा, ये गांव वाले देखते रहेंगे, अपने परिवार की इज्जत करने वाले लोग ये कभी नहीं देख सकेंगे। मैं भी नहीं देख सकता। इन गांव वालों को तुमने बेवकूफ समझा है क्या? ये गांव वाले अगर चाहें तो किसी को चुटकी में मिटा सकते हैं। अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो चुपचाप हाथ हटा ले, हटा हाथ, चल हटा। उदय जी, भाई कह रहा है ना, हाथ हटा लो। भैया छोड़ दो ना उसको। उदय जी जल्दी हाथ हटाओ। मैं मर गया क्या? बताओ मैं मर गया क्या? मैं जिंदा हूं ना? तेरा भाई मर गया ये बात सारे गांव वालों को बताई तूने, मुझे क्यों नहीं बताई? तू है कौन रे? मैं तुझे क्यों बताऊं? तेरी वाट मैंने ही लगाई है ना, इसीलिए मुझे भी बता। भाई का डेथ सर्टिफिकेट होगा तभी तू उसकी प्रॉपर्टी बेच पाएगा, इसीलिए तू दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी लेकर आ गया। इसकी खबर मुझे हो गई थी बेटा, इसीलिए तेरे भाई के दोस्त से तेरे भाई का नोटबुक लेकर एक घंटे के अंदर उसका दस्तखत करना सीख लिया मैंने। अरे ऐसे पहले बताते तो कुछ पैसे लेकर छोड़ देता तुझे। आगे कोई ऐसा मैटर फंसे तो मुझे बताना जरूर, ठीक है? आखिर तेरा सब कुछ मेरा भी तो है, समझ गया है? अरे भैया हमारा भाई अमला के चुनाव में खड़ा हुआ है, आने वाले 14 तारीख को चुनाव है, जरूर आना। उदय भैया जिंदाबाद। उदय भैया जिंदाबाद। यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। भैया उदय, शुभ मुहूर्त निकलने के पहले नॉमिनेशन पर साइन कर दीजिए। ए बुढ़ाओ, जब मेरी सास आती है तभी मेरा शुभ मुहूर्त होता है, अगर पहले साइन कर दिया तो वो मेरा सबसे बुरा वक्त होगा। अम्मा जी जिंदाबाद, 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 अम्मा जी जिंदाबाद। आइए सासू मां, आइए माँ जी, आइए आइए आइए। भाई सासू माँ आ गई, अब साइन कर दीजिए। ए पेन सासू माँ को दो, आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। दामाद जी, इस इलेक्शन में भी तुम्हारी जीत होनी चाहिए। जीतने के बारे में सोचना, जीत तो उदय जी की ही होगी। पिछले दो इलेक्शन में भी कई लाख रुपए खर्च करके सबको अपनी तरफ लेने वाले भाई ने सबको हराकर पूरे गांव के उम्मीदवारों को धूल चटा दी, इसीलिए इस इलेक्शन में इनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अब तो इनकी जीत बिल्कुल ही पक्की है। सामने खड़ी हो रही है? जी हाँ। अपनी औकात तुझे पता है ना, राजनीति के ABCD आती है क्या? अरे सुन, लाखों रुपए खर्च करके मुझे जिताने के लिए मेरी सासू मां अम्मा जी मेरे पीछे खड़ी हैं। तेरे पीछे कौन खड़ा है? नमस्ते भाई। ओ, तो ये है तेरा बैकग्राउंड। सुन, ये उदय खानदानी करोड़पति है और ये प्लेटफॉर्म भिखारी। ये तो पुरानी बात है भाई। तो अभी क्या है? लखपति। सिस्टर तुम्हारे पास कितने लाख हैं? जरा अपने भाई को दिखाओ। इसमें कितने लाख हैं? पता तो होगा ही। कब पागल जैसी बात कर रहे हो? अरे हमने खुद रखे थे पूरे गिनकर 10 लाख रुपए, 1 रुपया भी कम निकला तो जूता मारिएगा हमारे सर पर, कहा समझे? तुझसे पूछा क्या? तो बैठ जा। ये मेरा पैसा है। अब ये हमारा पैसा है। सिस्टर मुहूर्त निकलने से पहले दस्तखत कर दो, चलो। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी वो मेरी बहन यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बहन को वोट देकर उसे ही जिताएं। देखो ये शादी करके दूसरे गांव जा चुकी है, तुम्हारे गांव का पता नहीं है, तुम पर भरोसा करके हम कैसे वोट दें? उदय अच्छा है बुरा है तो वो हमारे गांव का, हम उसी को वोट देंगे, आप जाइए। आप भगवान पर नारियल चढ़ा सकते हैं, ये तो पूरा इलाका उदय जी का है, भगवान चाहे तो भी उनको हरा नहीं सकते। दे दो, मैं अभी नारियल चढ़ाकर आता हूँ। इसकी जरूरत थी क्या?
तेरी बहन दूध बेचकर जीवन चला रही थी, तूने उसे अच्छी जिंदगी देता हूँ कह के राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। गांव का माहौल तो देखो, आज कोई हमें वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हमें समझ आ गया है, हम सबकी वोट मांगने की मेहनत बेकार जाने वाली है। क्यों ना नाम वापस ले ले। हाँ यार, जमानत किए हुए पैसे तो वापस मिल जाएंगे। गाँव वालों से तो हमें वोट मिलने वाला है नहीं, उसके लिए दूसरा तरीका। कौन सा? एकता जा। अरे भैया, कबड़बक बनाया हमको, यहाँ पोज दे रहे हैं, वो रजनीकांत आपके बहन के लिए वोट मांग रहा है। ए रुको रे, क्या कहा रजनी? और तो और, एमजीआर भी आके वोट मांग रहा है, ऐसा लगता है जैसे गांव में कोई बहुत बड़ा मेला लगा है। अरे ये तो क्या एमजीआर रजनी बक रहा है? कब बना के वोट मांग रहे हैं ना? हाँ तो ऐसे बताना, उन्होंने डुप्लीकेट मंगाया ना, हम ओरिजिनल आर्टिस्ट मंगाएंगे। टकलू ये भैया, अभी की फेमस आर्टिस्ट कौन है? आज की सुपर हीरो नैन तारा। तो नैन तारा को बुलाया जाए। देखो सब के सब उधर भाग रहे हैं, हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। उदय हमको अपनी असली राजनीति दिखा रहा है। जल्दी हटो, हटो, अब कब शूटिंग शुरू करेंगे? मैंने पैसा ब्याज पर लिया है। कहाँ गया वो पागल डायरेक्टर? अभी आए नहीं? आ गया सर, आ गया सर। कहाँ है वो कैमरामैन? देख नहीं रहा। कैमरा रेडी, कैमरामैन रेडी। चलो कहाँ लगाना? हीरोइन कब जाकर रेडियो को बैठी है और हीरो को पता ही नहीं है। मैडम आइए बैठिए, बैठिए। ये लीजिए मैडम, आपके लिए पंखा। पंखा, 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 पंखा। हम पंखे को ही वोट देंगे। भैया घी तो आपने निकाला पर हजम कर गया। पता कर कौन है वो, पता कर कौन है वो, पता कर। खाकर मोटे होते जा रहे हो, पता चला कि कौन है वो? भैया इसे साधारण आदमी मत समझना, उस दिन उसके औरत का आपने रेप किया, वो मर गई, ये सब बात झूठ है। भैया यही तो पता है कि उसके साथ ही नहीं हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि उसका गांव और नाम क्या है। आखिर वो है कौन? ये बात मुझे किसी भी हाल में जाननी है। सर, मुन्ना है क्या? क्या कहा मुन्ना? इधर कब बकवास कर रही हो? क्या ये मुन्ना का घर नहीं है क्या? क्या कहा मुन्ना का घर? कहां से आई हो तुम? चेन्नई से। ये सोच कर मैं परेशान था कि तू है कौन, लेकिन अब मैं तेरे बारे में सब कुछ जान गया हूँ। तूने मुझे बहुत परेशान किया। ओए, सबको लेकर आ। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे पहले ही शक हो गया था कि तू मेरे साथ खेल रहा है, और अब तो मैं तेरी कुंडली भी जान गया हूँ। भाई हम लोग आदमी हैं, थोड़ा बहुत सह भी लेंगे, लेकिन ये एक नाजुक सी लड़की है, ये कैसे सह पाएगी? इसलिए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। हम लोग मार बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए हमें सब कुछ बताना पड़ा। अरे लड़के, मुन्ना को मारे 15 साल हो गए और तू इधर मुन्ना को ढूंढ रही थी? ये मुन्ना का नहीं, हमारे भाई उदय का घर है। क्या नहीं चाह रहे हो ना? इधर पहले ही शिवकाशी ने बोला है, वो कहाँ से है पता नहीं, वो हमारे भैया को बेवकूफ बना रहा है। अब आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? सुनो, होशियारी से काम लेना होगा। hey, कौन हो तुम? मैं शिवकाशी की लवर हूँ। शिवकाशी की लवर? hey! पकड़ लो सबको। भाई नहीं, क्या कर रहे हो? शिवकाशी कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शिवकाशी और मुन्ना दोनों एक नहीं है। तो फिर वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स है। मुन्ना उसका फ्रेंड है? अब से 15 साल पहले मुन्ना और शिवकाशी दोनों चेन्नई के होटल में साथ काम करते थे।
फिर दोनों अलग हो गए। अभी पता चला कि ये मुन्ना का गांव है। मुन्ना यहाँ बिना बताए आ गया और हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ आ गए। सुदय को तुमने बेवकूफ समझा है क्या? अपने भाई के फ्रेंड को बुलाकर मुझे नीचा दिखाएगी तू? मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, उससे पहले इसे गांव से बाहर जाना होगा। निकाल दो इसे, निकाल दो इसे। बहुत हो गया, ये भी मर्द है और तुम भी मर्द हो, खुद निकाल दो। अरे 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 अरे, खाने को वांदा है पर शरीर में चर्बी अभी कम नहीं हुई है, अभी उतारता हूँ इसकी चर्बी। ओए, लेके आ रहे उस बुढ़िया को। उसे जाने को बोल, उसे जाने को बोल, जाने को बोल, वरना मैं इसका गला दबा दूंगा। बोल उसे जाने को, जाने को बोल, जल्दी बोल उसे जाने को, बोल जल्दी। तुम चले जाओ यहाँ से और इन्हें कहो माँ को छोड़ दे। जल्दी बोल उसे जाने को। भैया मान जाओ, भैया वो माँ को मार दूंगा। नहीं तो मैं इसे मार दूंगा, जान से मार दूंगा इसे। छोड़ दो मेरी माँ को, बोल उसे जल्दी जाने को। मत बोलो, बोल छोड़ दो भैया। अरे बोल ना, सुन, सामना तेरा और तेरी बहन का है, दुश्मनी तेरी और मेरी है। अगर दोबारा तूने अपनी माँ पे हाथ उठाया तो चीर कर रख दूंगा। मेरे गांव में आकर तुम मुझे ही धमकी दे रहा है? ओए, यहाँ कोई मुझ पर उंगली भी उठाए तो उसकी उंगली काट दी जाती है। पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे, चले जाओ यहाँ से। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मेरी माँ का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ। है उस बुढ़िया को गाड़ी में बिठाओ। सुन, कल सुबह की पहली बस से तू अपने गांव जाएगी, नहीं तो तुझे अपनी माँ का क्रियाक्रम देखकर ही जाना नसीब होगा। चल रे गाड़ी निकाल। वनिता, हम कल चले जाएंगे। देखा ना, वो मेरी माँ और बहन पर कैसा जुल्म कर रहा है। पैदा करने वाली माँ को भूखा रखकर खाना 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 नहीं होता, हराम करने वाला होता है। वो हराम करने वाला मेरा भाई खा रहा है। 9 महीने माँ की कोख में बच्चा रहता है, फिर वही बच्चा पूरी जिंदगी माँ को पालता है, वही इंसान है। मैं इस दुनिया में जानवर की तरह नहीं, इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। जाने अनजाने 15 साल में अपनी माँ से दूर रह चुका हूँ और ये पाप था, ये समझाने वाली तुम ही थी। मैं तुम्हें जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा हेमा। मदुरई आ गया, उतरिए। तुम क्यों उतर रहे हो? मुझ पर भरोसा रखो,
जैसा तुमने कहा है वैसे ही मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। कौन है तुम लोग? आपने क्यों मुझे किडनैप किया? अपनी बीवी को जिताना है या नहीं? हाँ जिताना तो है। आप यहाँ रहेंगे तभी आपकी बीवी जीत पाएगी। इलेक्शन खत्म होने तक आपको यहीं रहना होगा। ये उदय एक ऊंचा पेड़ है और मेरी बहन एक छोटा सा पौधा, कोई बराबरी नहीं। वो कर क्या सकती है जो खुद ही कंगाल है। और अपने भाई से पूछो कि तुम्हारा पति कहाँ है। अरे वो क्या मेरा मुकाबला कर पाएगी? उसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं, इसीलिए उसे। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? हम तो गांव छोड़ के जाने वाले थे ना, फिर क्यों किडनैप किया मेरे पति को? जवाब दे मुझे, कहाँ छुपाया है? क्या बक रही हो तुम? किसने तुम्हारे पति को किडनैप किया है? नहीं किडनैप मैंने, तुमने ही किया है। बताओ कहाँ छुपाया है? किडनैप नहीं किया, तुम अभी जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, तुमने ही किडनैप किया है। मैंने कहा सीधी तरह से जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझे अभी भाषण देना है। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं जाएगी तू, नहीं जाएगी तू, नहीं जाएगी तू, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। चेयर पे बैठिए। चेयर? मुझे बड़ी इज्जत मिल रही है। ए, तुमने लड़की को चप्पल से क्यों मारा? मैं अपना गुस्सा नहीं संभाल पाया। क्या क्या गुस्सा? हाँ, तुम्हें इंसान समझ के मैंने इलेक्शन में खड़ा किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये क्या है? मारो मुझे, मारो मुझे, नहीं तो मैं ही मारूंगी। किडनैप किसी और ने किया और इल्जाम मुझ पर लगा है। राजनीति का मतलब क्या होता है? तुम्हारे मुंह पर थूका गया है ना, तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। कोई दूसरा आके चाट के पहुंचेगा क्या? अब सुनो, करोड़ों रुपए खर्चा करके इसके पहले भी तुम्हें एमएलए बनाया है, इस बार भी एमएलए के लिए खड़ा किया है। तुमको एमएलए बनाने के लिए नहीं, मेरी बेटी को एमएलए की बीवी बोले इसलिए। मेरे गांव में मेरी बेटी को लोग एमएलए की बीवी बोलेंगे तो मुझे भी गर्व होगा। कैसे भी जीतने की कोशिश करो, आइंदा चप्पल वप्पल उठाने की कोशिश की तो मैं किसको उठाऊंगी मुझे खुद पता नहीं। निकाला रे गाड़ी। ये औरत इतना बोली और मैंने एक लफ्ज भी क्यों नहीं बोला, यही सोच रहा है ना तू? हाँ भैया। इलेक्शन होने दो, उदय का पहला काम इस बुढ़िया को दुनिया से हटाना होगा। भाई भाई, वो शिवकाशी लड़का फिर से गांव में आ गया है, आपकी बहन के लिए गांव के हर घर में जाकर वोट मांग रहा है। ओए तलवार ला रे। उदय जी, उदय जी रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसी जल्दबाजी करना ठीक नहीं। मेरे रास्ते से। उदय जी, पहले ही आप अपनी बहन को मारकर बहुत बदनाम हो चुके हैं, इस वक्त तुम मारामारी में शामिल हुए तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा और इसके बाद तुम्हें ये इलेक्शन से हटा दिए जाओगे और आगे भी किसी इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाओगे। कुछ भी हो, इलेक्शन के बाद ही बदला लो। और अब आपकी प्यारी बहन अपना दुख, अपनी परेशानी और अपने दिल की बात अपने दिल से आप सब लोगों के साथ बांटने के लिए यहां पर आ रही है। वनिता, अपने दिल की बात हमें बता दो। मुझे मेरा पति चाहिए, कैसे भी हो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उदय से मेरे पति को बचाइए, बचा लीजिए मेरे पति को, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सिस्टर फोन।
हेलो, क्यों रे? पति गुम हुआ बोलकर पब्लिक में रो रही है? उदय, क्या चीज है ये, तेरे दिमाग में आया कि नहीं? सुनो, मेरे पति को कहाँ छुपाया है? मुझे बताओ, मेरे पति को कहाँ छुपाया है? उदय से मुकाबला करेगी तू? इज्जत से अपने पति को लेकर गांव छोड़कर भाग जा, नहीं तो इलेक्शन से पहले तेरे पति के कब्र पर दिया जला दिया जाएगा। यही देखना चाहती है तू? अरे ये क्या बोल रहा है? अरे तुझे सिंदूर की जगह पे पति की राख लगानी पड़ेगी। गांव में उदय के अलावा कोई किसी और को वोट नहीं देता, सावधान हो जा। इस उदय को तूने भैया इधर माइक पे कैसे बोल रहे हैं? मेरे अलावा किसी और को अगर वोट मिला तो सिर्फ तुझे ही नहीं। अरे भैया, आपका दल की बात हुआ माइक पर कैसे सुनाई दे रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो मीटिंग नहीं होनी चाहिए, सबको मार कर भगाओ। ये मोबाइल मुझे दो, मैं भूत उतारती हूँ। अरे अरे कमीने, चर्बी चढ़ी है तुझे, इधर आ तेरी चर्बी उतारूं। अरे अरे सुमा, मुझे बुलाया आपने? ए, सारे दरवाजे खिड़की बंद करो। देखा तुम्हारी सास को लोगों ने गोबर से नहला दिया। अगर उनका बस चलता तो मेरे मुंह पर गोबर लगाकर मुझे गोबर में डुबा के मार देते। मेरी बेटी एमएलए की बीवी बनकर रहे, इसीलिए मैंने अपनी बेइज्जती को सह लिया। लेकिन अगर तुम इलेक्शन में हार गए और मेरी बेटी अगर एक आम इंसान की पत्नी की तरह जिंदगी बिताएगी तो मैं तुम्हें महाकाली का रूप दिखाऊंगी। तुम चाहे किसी को भी मारो, किसी का भी खून करो, कहीं पर भी उत्पात मचाओ, मगर किसी भी सूरत में इलेक्शन जीतो। अगर तुम हार गए तो गांव वालों ने मुझ पर गोबर डाला है, मैं तुम पर पेट्रोल डालकर तुम्हें सरेआम जला दूंगी। तुम्हें मुझसे जितने भी पैसे चाहिए ले लो, मगर हारना नहीं। ए, चल दरवाजा खोल रे। हमारी नेता विनीता। सुनिए, कोई घर में है क्या? हमारी नेता विनीता, हमारी नेता विनीता। सुनिए, आप इसी गांव की हैं क्या? ये घर किस गांव में आता है? ये घर तो इसी गांव में आता है। तो मैं भी इसी गांव की हूँ। लेकिन आप तो उधर चेन्नई। आप इधर क्यों आए हो? हम वोट मांगने के लिए आए हैं यहाँ पे। वोट? वो कैसे दे सकते हैं? वो आपको देने नहीं आता है क्या? नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वोट देने से पहले उंगली पकड़ कर उस पर इंक लगाते हैं। कौन सी उंगली पकड़ कर इंक लगाते हैं? ये उंगली पकड़ कर इस पर ऐसे इंक लगाएंगे। बाप रे बाप! भैया, बहन चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? अच्छा तो ये लोग हैं। अरे मुन्ना, ये क्या पंगा हो गया? क्या हुआ बहन, चिल्ला क्यों रही हो? क्या कहा, हाथ पकड़ लिया? अरे चंडाल बदमाश, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारे घर में अगर माँ बहन नहीं है तो समझ ले। क्या रे, ये बता, जवान लड़की को वो भी दिन में हाथ पकड़कर सेट करने की कोशिश कर रहा है? अरे बाबा, मैंने उंगली पकड़ी थी, हाथ नहीं पकड़ा था। अरे भाई, उंगली कहाँ है? उंगली तो हाथ में ही है। उंगली पकड़ी, हाथ क्यों नहीं पकड़ा? ठीक है, फिर हाथ ही पकड़ लेता हूँ। तो फिर मेरा हाथ कहाँ पर है? क्या मुसीबत है। अरे भाई, हाथ तो बदन में है। बाप रे बाप, इसका मतलब तुमने मेरा
मतलब इसने बदन की मालिश की। देखो माफी मांगो तभी तुम्हें चार वोट मिलेंगे। हाँ माफी भाई भाई माफी मांग लो ना मांग लो। हाँ भाई चार वोट है, लोग तो वोट के लिए कुछ भी करते हैं, यहाँ तो माफी मांगनी है, जल्दी से मांग लो ना। इस तरह के चार वोट से हम जीत भी गए ना तो ऐसी जीत हमें नहीं चाहिए। सुन अच्छा। जीत की जरूरत हमें नहीं, तेरी बहन बनीता को है, उसके लिए तो मांग ले। हाँ मांग ले भाई, ठीक है मांग लो मांग लो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम के बड़े कोई नेता हो क्या, माइक में बोल रहे हो माफी मांगो। देख यार चार वोट हैं, तू माफी मांग लेना यार। ठीक है माफ कर दो। सड़क पर खड़े हो, भिखारी हो क्या, अंदर आके माफी मांगो। जाओ मांग लो ना, जाओ ना, जाओ ना, जाओ। आप लोगों को बाहर कर दिया, हम चार लोगों को वोट गिनती में नहीं आएगा। अंदर जो दो वोट डुप्लीकेट वोट। भैया पेट भर के खाना आप लोग, शर्माना नहीं। क्या ये क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग इस तरह से? अरे अरे जी सुनिए इधर क्या हो रहा है, देखिए वो लोग लड़ रहे हैं, आप तो आराम से बैठ के खा रहे हो, वो लोग लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं पूछिए तो। सब रुक जाओ। सुनिए इतनी देर से ये लोग क्यों लड़ रहे थे? ये लोग लड़ नहीं रहे थे, वो सालम मेरे जीजा के साथ घूम रहा है, शिव काशी, वो तो पैसे के लिए काम करता है ना, उसी ने मारा इन्हें। ये आप क्या कह रहे हैं? शिवकाशी ने तुझे मारने की कोशिश की, इन लोगों ने हमारा नमक खाया है, आप चुप तो नहीं रहेंगे ना? इन्होंने उसे रोका तो उसने धो डाला। अरे कट करना। आप क्या कह रहे हैं? अब इसके बाद शिवकाशी ने तुझे मारा या नहीं ये तो क्लाइमेक्स है। अरे टकले कट कर। अब क्लाइमेक्स मैं तुझे बताता हूं, ये मान लो कि मैं ही शिवकाशी हूं और ये है चाकू, इससे शिवकाशी उदय की बीवी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। तेरी माँ ने क्या कहा था पता है? तुम चाहे किसी को भी मारो, किसी का भी खून करो, मगर किसी भी सूरत में इलेक्शन जीतो। इस इलेक्शन में मुझे जीतने के लिए तेरा मरना जरूरी है। नहीं सुनिए सुनिए। अब क्या है ना काम नहीं, तेरे मरने से मुझे बहुत फायदा होगा। अरे मुझे ज्यादा वोट मिलेगा ना। ऐसा मत कीजिए। अब मैं सोच कर भी कदम पीछे नहीं ले सकता क्योंकि हर गली में पोस्टर लगा है। एए, भाभी को पोस्टर दिखाओ ना। एए, अब हटा दे पोस्टर और अब मैं तुझे मत कीजिए। नमस्ते भैया। क्यों रे टकले, फोन उठाया तो बात करने का नहीं तो कट करने का, फोन उल्टा काहे को रखा, दिमाग नहीं है तेरे पास क्या? जो बात नहीं सुननी थी वो मैंने भी सुन ली और बाकी लोगों ने भी। किस्मत से मरने वाले को तो मैंने देखा था, मगर आबेल मुझे मार कहने वाले को पहली बार देख रहा हूँ। मेरे भाई आई लव यू। देख कामिनी, मैंने तेरे मरने पर पटाखा फोड़ने को सोचा था, इसलिए पटाखे की जगह इस शिव काशी को चलाऊंगा। क्या भैया क्या बचपना कर रहे हो? जय माता दी। पुलिस ऑफिसर के लिए मैं आपकी बीवी कामनी की तरफ से चिट्ठी। क्या है रही है? हाँ, मैं ये चिट्ठी किसी की जबरदस्ती से नहीं बल्कि सच्चाई से लिख रही हूँ कि मेरी मौत का कारण और मेरे खून के जिम्मेदार को सजा मिलनी। क्या कारण क्या जिम्मेदार क्या बोल रहा है तू? अरे भाई पढ़ने तो दीजिए। इसका कारण मेरे पति उदय को ठहराया जाए, आपकी कामिनी। साइन कीजिए, साइन कीजिए, बचना है तो साइन करना पड़ेगा, कीजिए। अब तेरी औरत का मर्डर मैं कर दूं तो इसका जिम्मेदार तू ही होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, कानून कहता है।
इलेक्शन खत्म होने तक चुप ही रहना, अगर गलती की तो इसकी गर्दन काट कर फेंक दूंगा और लेटर पुलिस स्टेशन में पहुंचा दूंगा। इलेक्शन के लिए कल का एक ही दिन बाकी है, तब तक बहन जी का यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए अच्छा है और हमारे लिए भी। ए, क्या कर रहे हो? हाँ पता नहीं कौन है। बाप रे बाप, कौन है पता नहीं, अनाथ लग रहा है, पूरा जल गया। फोन में कहा था बगीचे में चिता जलेगी, मुझे लगता है उस पापी ने ही खून किया है। ये देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मैं क्या करूं? ये तो वनिता के पति का लॉकेट लग रहा है। तेरी बहन के आंसू हम लोग नहीं देख पाएंगे, अब तो सच बता दे। हाँ मुन्ना, सच बता दिया तो बहन की आंखों से आंसू निकलने बंद हो जाएंगे और इसकी आंखों से बहते आंसू के एक एक बूंद हमें हमें हजारों या यूं कहूं कि लाखों वोट दिलवा सकते हैं और मेरी बहन के ये आंसू आखिरी होंगे। बहन के पति को मारा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो भैया भैया भैया, अरे भैया सारा गांव इकट्ठा हो गया है, वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, आपकी जान को भी खतरा है भैया, आप किसी तरह आपको बचाइए। फोन कर जल्दी। सबको मारकर भगाओ। हमें छोड़िए, वो कौन है? उसे ऐसे हंगामा करने से फायदा नहीं, कानून सबूत मांगता है, बिना सबूत हम कुछ नहीं कर सकते, हमें हमारी ड्यूटी निभानी है। हेलो, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ। ए, 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 ए। अगर तू मेरे हाथ लग गया ना तो गांव वाले तो सिर्फ मेरा पोस्टर जला रहे हैं, मगर मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। मैं नहीं मिलूंगा। अगर तुम्हारा जीजा मिल गया तो? ए, क्या कह रहा तू? जरा पीछे के गेट पर आकर देख तो। ए, ओपन। मैं बाहर आ रहा हूँ। ए, तलवार निकाल ले। ए, तू बाहर आ गया तो जिंदा जल जाएगा, मुझे ही अंदर आना पड़ेगा। दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल ना। ए, अब बता कहाँ है वो? जीजे से इतना प्यार। अरे क्यों मजाक कर रहा है, मुझे वो चाहिए। गांव वाले समझ रहे हैं कि मैंने उसे मार दिया है, अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे गांव वालों के सामने ले जाऊंगा और उसके बाद वो मुझे वोट देंगे। बता कहाँ है तो वो? फिर इस कागजात पर साइन कर दो। क्या है इसमें? तेरी सारी जायदाद इसमें तेरी बहन के नाम पर लिखा है, इस पर साइन कर। फिर तेरे जीजा को अंदर भेजता हूँ। बहन के नाम सारी जायदाद? मैंने अपने नाम पर लिखवाने की सोचा था, मगर तेरा मेरा कोई संबंध तो है नहीं ना। अगर तूने कल गांव वालों से बोला कि मैंने तुझे डरा धमका कर ऐसा कराया, तो इसलिए इसमें तेरी बहन का नाम लिखा है। सही है ना? इसमें मेरा दिमाग है। साइन कर, साइन कर जल्दी। अरे साइन कर ना। साइन कर वरना तेरे जीजा को सच में जला दूंगा। साइन करता हूं मैं, करता हूं साइन। भैया ये जायदाद की बात है, सोच समझ के साइन करना। यह खानदानी जायदाद है, इसमें केवल मेरी नहीं मेरे भाई की भी साइन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये जायदाद मेरी बहन के नाम होगी। मैं क्यों साइन कर रहा हूँ पता है? इससे उसको बेवकूफ बना रहा हूँ। अच्छी तरह खबर लो, मैं अभी आता हूँ। ये ले अपनी जायदाद, अब तू जा सकता है। अरे ज्यादा मारोगे तो मर जाएगा। अरे पहले इसे गांव वालों को दिखाना है, उसके बाद इसे देख लेंगे। भैया आपको जीजा की जगह हमको पाल दिया, बहुत मारा, बहुत दर्द हो रहा है। तो? इस साल के राज्यसभा के इलेक्शन में श्रीमती वनिता ने जीत हासिल की है। वनिता ने अपने भाई को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है। पहली बार उदय की जमानत राशि भी जब्त हो गई है। हुँ?
दो हाथ कटे हुए आदमी की बीवी बनना है या दो पैर कटे हुए आदमी की बीवी बनना है या फिर बिना हाथ पैर वाले आदमी की बीवी बनना है, तो ही बता मुझे। गया काम से गाड़ी निकल रहे। आज पहली बार ये उदय हार गया। अब मैं उस शिवकाशी को छोड़ूंगा नहीं। गाड़ी में पेट्रोल के कैन डाल। ए, कहा है वो? कहा है शिवकाशी? बाप रे बाप। ए, बता कहा है? साहब जी, उसको तो घर आए दो दिन हो गया है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जल्दी गाड़ी भगाओ। माँ, तेरी बेटी जीत गई। माँ, ये लो, ये कपड़े पहनकर अपने असली रूप में आ जाओ। बहन जी, सारी जायदाद आपके नाम पर हो चुकी है, अब चिंता की कोई बात नहीं। ये देख लीजिए। हाँ। ये क्या कह रहे हो? माँ जी, उस उदय ने खुद बहन के नाम पर सब कर दिया है। ये कैसे? मुन्ना के भी साइन जरूरी है ना? मुन्ना आ चुका है और साइन भी कर दिया है। क्या कहा? मुन्ना आ गया है। सुनिए आपने पटाखे की आवाज। मुन्ना बैंड बाजी के साथ आपसे मिलने आ रहा है। आपका बेटा आ रहा है। वनिता, आरती की तैयारी करो। भैया, आपका भाई मुन्ना आ गया है। क्या बोला? मुन्ना आया है? भैया, कागजात पे साइन करके सारी जायदाद बहन के नाम कर दिया है। चल रहे जल्दी। आपका छोटा भाई याद आया? मैंने तो पहचान लिया, मगर अब तुझे कोई और नहीं पहचानेगा। तुम मेरे साथ खेल रहा था ना, अब मैं तुझे बताता हूँ कैसे खेलते हैं। पेट्रोल ला रहे। गलती भी करे तो भी वो तेरा बड़ा भाई है। जा जाके उसको बचा ले तू। वो किसी के हाथों से मरना नहीं चाहिए। जा बचा ले उसे मुन्ना। भैया, भाई को बचा लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। उसके बदन से एक बूंद खून भी बहा तो समझो वो उसका नहीं, तेरे पिताजी का खून है। बचा ले उसे मुन्ना। मुन्ना बचा ले उसे। Hey!
उदय का भाई मुन्ना। फिर पहले इसके भाई को मारो। इसको बचाया है ना, तुझे पता है ये बात? उसने अपनी बीवी का खून करने की कोशिश की, कल तुझे भी मारेगा और तेरी माँ को भी मारेगा। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, उसको खत्म कर दे। मेरे पास मेरी कुर्सी नहीं बची, ना ही मेरी जायदाद बची, सिर्फ पिताजी की बातें और नसीहतें बची है। मुन्ना मैंने बहुत पाप किए, मुझे जीने का कोई हक नहीं, इसलिए मुन्ना मुझे मार दो। अगर मैंने आपको मार दिया तो भी आपका पाप नहीं मिटेगा भैया, इसके लिए आपको मां से माफी मांगनी पड़ेगी। माँ मुझे माफ कर दो। उदय बेटा, जैसे ही तूने अपनी जबान से मुझे माँ बोल दिया, तेरे सारे पाप धुल गए। भैया एक जरूरी बात है, आप माँ को मस्का लगाकर मना लेना प्लीज। अरे बोल ना, मैं माँ को मना लूंगा। वो क्या ना भैया कि जब मैं चेन्नई में था तो वहाँ मैंने एक लड़की को पटाया था। लड़की को पटाया? नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ भैया, साथ में। वो मुझसे शादी तभी करेगी जब मेरी माँ, मेरे भैया, मेरी बहन सभी उसके घर जाएंगे। अरे मेरे लाडले, सब लोग लव करके भाग जाते हैं, मगर तूने भाग कर लव कर लिया। चलो चलो चेन्नई जाने की तैयारी करते हैं। ये पकड़ो, ये अपने भाई के हाथ में दे दो और तेरी भाभी को मंगलसूत्र पहनवा दो, उसको भी चेन्नई साथ ले चलो। दीजिए ये लो भैया।